माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन न्यूज प्रसार भारती ऑफ इंडिया मैम प्रिया कुमार जी और यहां मौजूद सभी अतिथियों का डीडी डायलॉग खिलता जम्मू कश्मीर के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जोरदार तालियां बजाकर हार्दिक स्वागत है। देवियों और सज्जनों, राष्ट्रगान हमें याद दिलाता है कि हम सब एक हैं और इसके हर शब्द से जुड़े हैं। आइए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे धन्यवाद। अब हमारा विनम्र निवेदन है डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन न्यूज प्रसार भारती ऑफ इंडिया मैम प्रिया कुमार जी से कि वे माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी और यहां मौजूद दीगर अतिथियों का स्वागत अपने शब्दों में करें। मैम प्रिया कुमार जी। नमस्कार। माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी एवं यहाँ उपस्थित सभी विशेष अतिथियों का मैं डीडी डायलॉग खिलता जम्मू कश्मीर के इस मंच पर स्वागत करती हूँ। आज हम जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ये खास कॉन्क्लेव इस सुंदर वादी में कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये विधानसभा चुनाव विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार यहाँ विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। ये खिलते कश्मीर के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। हमें ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि जिस नए जम्मू कश्मीर और बदलती की तस्वीर हम देख रहे हैं उसके प्रदेश में मुख्य सूत्रधार माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी हमारे बीच मौजूद हैं। आप सबको याद दिलाना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ के लोगों की भारी भागीदारी देखी गई थी और प्रदेश में अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग पर परसेंटेज भी दर्ज की गई, जो इस बदलते जम्मू कश्मीर की नई पहचान है। जम्मू कश्मीर के इस सफर में डीडी न्यूज का भी पग पग का साथ रहा है। हमने यहाँ के कोने कोने में हुई बदलाव की तस्वीर की कई कार्यक्रम किए हैं और पूरे देश को दिखाए हैं। इस बदलते सफर में हम आगे साथ भी रहेंगे और आगे कई ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे, ये हमारी आशा है और हम करेंगे भी। आज भी विधानसभा चुनाव से पहले आवाम में, खासतौर पर युवाओं में जो उत्साह देखा जा रहा है उसका श्रेय जम्मू कश्मीर के प्रशासन को जाता है, जिसके लिए डीडी न्यूज आपको शुभकामनाएं देता है। आज के इस डीडी न्यूज कॉन्क्लेव का भी मकसद यही है कि विधानसभा चुनाव से पहले सभी स्टेक होल्डर्स को एक ही मंच पर लाकर जमहूरियत की जड़ों को मजबूत बनाया जाए। हमने इससे पहले कई राज्यों में, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कई राज्यों में ऐसे कॉन्क्लेव आयोजित किए हैं जहां कई केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता उपस्थित रहे हैं। हमारा चैनल एक लोक सेवा प्रसारक के रूप में जनता की राय को आकार देने, गलत सूचनाओं से मुकाबला करने और विकासात्मक पहलों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इस संवाद का लक्ष्य है कि आमजन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो ताकि नागरिक अपने मत अधिकार का सही ढंग से उपयोग कर सकेंगे। अंत में डीडी न्यूज को दिए गए सहयोग, समर्थन और उपस्थिति के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद और एक बार फिर माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए डीडी न्यूज की तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। बदलते जम्मू कश्मीर का श्रेय माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी की
सशक्त सोच और युवाओं के तई आपकी फिक्र मोहब्बत को जाता है। जब आपके हौसले बुलंद हो तो मंजिल दूर नहीं, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। विनम्र निवेदन है माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से कि वे मंच पे तशरीफ लाए। अब पल आ गया है आज के खास मेहमान माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी को सम्मानित करने का। मैं आग्रह करना चाहूँगा डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन न्यूज़ प्रसार भारती ऑफ इंडिया मैम प्रिया कुमार जी से कि वे माननीय उपराज्यपाल जी को कश्मीरी शॉल और यहाँ की दस्तकारी का नमूना सौगात के रूप में पेश करें। मैम प्रिया कुमार जी। जोरदार तालियां। धन्यवाद मैम प्रिया कुमार जी। डीडी डायलॉग खेलता जम्मू कश्मीर के आज के इस कॉन्क्लेव का पहला इंटरव्यू होगा जेएंडकेज चेंज्ड सिनेरियो बदलता जम्मू कश्मीर। अब प्रस्तुत है माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के साथ दूरदर्शन न्यूज का एक खसूसी इंटरव्यू। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा दूरदर्शन न्यूज की सीनियर एंकर मैम रीमा पराशर जी को कि वे इस खास इंटरव्यू का आगाज करें। रीमा पराशर जी। नमस्कार। खिलता कश्मीर, जैसा कि हमने अपने डीडी डायलॉग, क्योंकि कश्मीर के चुनाव पर हम अपना आज पूरे दिन अलग अलग शख्सियत और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन खिलता कश्मीर की जब हम बात कर रहे हैं और पहले कश्मीर की बात होती थी, कश्मीर कभी भी ऐसा नहीं रहा कि सुर्खियों में ना रहा हो, हमेशा से कश्मीर के बारे में बात होती थी। बदलाव ये आ गया है कि अब खिलते हुए कश्मीर की बात होती है और बात ये होती है कि कश्मीर बदला कैसे, उसके पीछे के मुद्दे क्या रहे। और आज जब विधानसभा के चुनाव हैं, क्योंकि हम वोटिंग परसेंटेज की भी बात करेंगे, लेकिन इतना उत्साह लोगों में जो दिख रहा है, खासकर युवाओं में और महिलाओं में, एक वक्त था जब पत्थर की बात होती थी, युवाओं के हाथ में होते थे वो पत्थर, लेकिन अब रोजगार की बात होती है, महिलाओं के खिलते हुए मुस्कुराते हुए चेहरों की बात होती है और स्कूल जाती हुई बच्चियों की बात होती है। तो ये बदलाव कैसे आया, ये बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, जिनका तारुफ मैं कर रहा हूं कि जब दिल्ली से यहां पर वो आए तब उनका नाम चर्चा में आया और ये हुआ कि उनको यहां पर आने के पीछे एक खास मकसद है कि अब कश्मीर विकास के राह पर चलेगा और एक विजन के साथ उनकी यहां पर मौजूदगी दर्ज हुई। वो लोगों के बीच भी गए, जनता का दरबार भी लगाया, कोविड के समय में भी देखा और चुनाव के समय में भी देखा कि आरोप प्रत्यारोप में वो नहीं पड़ते बल्कि हकीकत में काम कैसे होता है शायद उसमें यकीन करते हैं। खास मेहमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सिन्हा जी आपका। धन्यवाद। शुरुआत में इसी बात से कहूंगी कि जब आप आए थे और अब में, और अब जब चुनाव पूरी तरह से अपने शबाब पर आ ही गया है, क्या बदलाव आप इन सालों में देखते हैं, जब आप आए वो चुनौती और आज चुनाव की चुनौती? नहीं, जब मैं आया था तो मुझे लगता है कि शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से पूरी मानवता पीड़ित थी। 7 अगस्त 2020 को मैं आया था और 8 अगस्त को की शाम को मैं हॉस्पिटल गया था। बड़ी भयावह तस्वीर थी और मैं कह सकता हूं कि देश के वैज्ञानिकों, हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ सर्विस से जुड़े हुए सभी सहयोगियों के कारण, यहां की सिविल सोसाइटी और अनेक सामाजिक संस्थाओं के प्रयत्न के कारण उस महामारी से देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह की परेशानी थी, थोड़ी कम परेशानी जम्मू कश्मीर में हुई। खासतौर से जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी तो उस समय मुझे याद है, मैं जब अगस्त में आया था, सितंबर में मैंने एक रिव्यू लिया था, तो हमारी कुल ऑक्सीजन जनरेशन क्षमता 14,000 LPM थी और कोविड की जब सेकेंड वेव आई तो 48,000 LPM हमारी क्षमता हो गई थी। ढेर सारे लोगों की जान इसके कारण बच सकी।
वो तस्वीरें देश ने देखी हैं कि बर्फीले रास्तों पर चलती हुई महिला स्वास्थ्यकर्मियां 8-8 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर की यात्रा तय करके कोविड वैक्सीनेशन किया। और उस समय मुंबई उच्च न्यायालय ने, मुंबई के हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की थी किसी सरकार पर, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, बल्कि मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन कैसे होता है, कोविड मैनेजमेंट कैसे होता है, जम्मू कश्मीर से सीखना चाहिए। वहां से यात्रा शुरू हुई थी। स्वाभाविक रूप से एक ऐसा वातावरण था जिसमें लोग हताश थे, निराश थे। आज मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के आम आदमी, खासतौर से नौजवान हो या महिलाएं हो, उनकी आकांक्षाओं को नया पर लगा है। और देश के दूसरे हिस्सों के लोग जिस तरह से सपने देख रहे हैं, यहां के लोग भी उसी तरह के सपने देखने लगे हैं। विकास की राह पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। ये सच है कि आवश्यकताएं अनंत होती हैं, ये कोई एब्सोल्यूट फिगर नहीं होता है डेवलपमेंट का कि ये हो गया तो काम खत्म हो गया। जैसे जैसे काम बढ़ता है, लोगों की आकांक्षाएं अपेक्षाएं बढ़ती हैं। मैं समझता हूं कि सही दिशा में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। मनोज जी, ये सवाल इसलिए जो आपने बात कही उसी से जुड़ा हुआ मैं करना चाहूंगी। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, लेकिन अब तक जिस तरह से कश्मीर को आंका जाता था, इसीलिए आपने कहा कि कश्मीर के युवाओं के, महिलाओं के सपने जब पूरे होते हैं, उनके सपने शायद बाकी भारतवासियों से थोड़े से अलग रहे, क्योंकि एक ऐसी राजनीति चलती रही जिसकी वजह से ये था कि पहले तो वो सुरक्षा देखें, शांति देखें, तब वो रोजगार की बात करें, तब वो शिक्षा की बात करें। आपने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि उनके सपने पूरे हो रहे हैं। आपको लगता है अब कश्मीर की आवाम भी बाकी देशवासियों जैसी हो गई है और उसकी तरह सपने देख पा रही है और पूरे कर पा रही है? इसमें मुझे थोड़ा भी संदेह नहीं है कि यहाँ के नौजवानों, महिलाओं या कॉमन मैन की आकांक्षाओं अनंत आकाश तक पहुंच गई, नए सपने देख रहे हैं, उनको पूरा करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अगर टैलेंट की मैं बात करूं तो यहाँ जो टैलेंट है, मैं समझता हूं कि पिछले 35-40 सालों से मैंने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है, ऐसा टैलेंट मैंने हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं देखा है। और अब सही दिशा में वो जम्मू कश्मीर को और देश को आगे बढ़ाने में ढेर सारे युवा, ढेर सारे बच्चे, बच्चियां या यहां के नागरिक लगे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि नई सुबह का जो आगाज हुआ है वो निश्चित रूप से विकसित भारत के निर्माण में जम्मू कश्मीर के लोगों के योगदान को आने वाला इतिहास भारत का या भविष्य जरूर याद रखेगा। 58% का मतदान रहा जो कि रिकॉर्ड था अब तक के इतिहास की अगर हम बात करें तो। 35 वर्षों का इतिहास कभी ऐसा ही नहीं रहा कि कश्मीर में इतना ज्यादा मतदान हो। इस मतदान के पीछे ये जो आपने बात कही, जो आपके विरोधी हैं और खासकर राजनीति में जो यहां पर लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक फेस सेविंग है, दुनिया को ये दिखाना कि हाँ हम लोकतंत्र कश्मीर में बहाल कर रहे हैं, बल्कि जो असली युवा हैं, महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं, वो तो जेलों में बंद हैं, वो लोग तो बाहर ही नहीं आ पा रहे। किसी राजनीतिक विषय पर मैं कोई राय नहीं रख सकता और विधानसभा के चुनाव है तो मैं उस मर्यादा को भी समझता हूं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तो मैं उस सीमा और मर्यादा में ही बात करूंगा। थोड़ा मैं पीछे आपको ले जाऊंगा। यहां जब विधानसभा के चुनाव 57 में हुए तो एक विशेष पार्टी के 30 एमएलए अनअपोज्ड डिक्लेयर कर दिए गए। अगर इतिहास की तरफ आप जाएंगी तो यहां दो तरह के एमएलए होते थे, एक जनता के चुने हुए और एक कलेक्टर साहब के द्वारा बनाए गए। ये बड़ी चर्चा थी। मैं लेटेस्ट 1996 के चुनाव की बात करता हूं। गुरेज एक विधानसभा है, अभी फिर वहां चुनाव हो रहा है। 2723 वोट पा करके एक सज्जन एमएलए हो गए, 2723, और उनकी विक्ट्री की जो लीड थी वो 713 वोट की थी। अब आप कल्पना करिए, तो मैं मानता हूं कि लो वोटिंग परसेंटेज भी रिगिंग का एक पार्ट था। खैर, उससे मैं आगे निकलता हूं। जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, यहां लोगों ने पहली बार 1977 में फ्री एंड फेयर पोल देखा, और चुनाव में रिगिंग या मैं कहूं कि निष्पक्ष चुनाव न होना, वो एक बड़ा कारण रहा है जम्मू कश्मीर की आवाम की भावनाओं को भड़काने का।
और उसका दुष्परिणाम जम्मू कश्मीर ने भोगा है। 1977 में पहली बार मोरारजी भाई की जब सरकार बनी तो यहां के लोगों ने निष्पक्ष चुनाव देखा था, फिर 2002 हो, 2014 हो, 2019 हो, 2024 चुनाव में लोगों ने देखा। जो पिछला लोकसभा का चुनाव है, ठीक है, 58.06% मतदान हुआ, उससे जो मूल बात निकलती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारत के लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था व्यक्त की है। अगर मैं वैली की बात करूं, केवल कश्मीर वैली की, तो यहां भी 50.6% मतदान हुआ, जो कि 30-35 सालों में इतना मतदान नहीं हुआ था। विशेष रूप से युवा, महिलाएं, बुजुर्ग बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी किया। और अभी जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये परसेंटेज और बढ़ेगा। लोगों की एस्पिरेशंस जब जगती हैं, जागृत होती हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोग चाहते हैं कि हमारा भी योगदान यहाँ के विकास में, यहाँ की गवर्नेंस में हो। और मैं मानता हूं कि वो लोगों की आंखों में दिखाई पड़ रहा है। तो ये योगदान वाकई में है मनोज जी, क्योंकि जब हम बेरोजगारी खत्म करने की बात करते हैं और कश्मीर में रोजगार की बात, आपने मतलब G20 जैसी सफल आयोजन होते हैं और इतने बड़े बड़े निवेशक यहाँ आते हैं और कहते हैं कि हाँ अब यहाँ माहौल है कि हम निवेश कर सकें, लेकिन उसके बाद फिर राजनीति शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को शायद ये हकीकत समझ नहीं आ रही है, उनका कहना है ये तो सिर्फ आंकड़े हैं, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो अभी भी स्थिति कुछ बदली नहीं है। नहीं, मैं किसी राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता की टिप्पणी पर यहाँ टिप्पणी करने नहीं आया हूँ। बेरोजगारी है देश में नहीं, दुनिया में है। दुनिया के विकसित देशों में भी बेरोजगारी है। इस तथ्य को समझने की जरूरत है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। जम्मू कश्मीर का जहां तक सवाल है, गवर्नमेंट की सैंक्शन पोस्ट हमारी 4,80,000 है और जम्मू कश्मीर की कुल आबादी 1,40,00,000 है। अब ये सामान्य रूप से नहीं समझ में आएगी। अगर मैं एक और उदाहरण दूं कि बिहार की आबादी 13 करोड़ है और वहां गवर्नमेंट की सैंक्शन पोस्ट जो है 5,13,000 है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी यहां ओवर इम्प्लॉयमेंट है। इसके अलावा 1,00,000 से ज्यादा डेली वेजेस, कोई 2,000 पर, कोई 3,000 पर, कोई 4,000 पर लगाया गया और उनको के अपॉइंटमेंट लेटर में लिख दिया गया कि आफ्टर 7 ईयर्स यू विल बी अब्सॉर्ब्ड। वो बेचारे टल रहे हैं, स्वाभाविक रूप से उनको, उनका परिवार है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ढेर सारी ऐसी नियुक्तियां हुई जो बिना किसी प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमिटी के द्वारा हुई। पिछले 4 वर्षों में 42,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं और मैं यहां की आवाम भी बैठी है आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नौकरी दी गई। वो जमाना खत्म हो गया जब सिफारिश के आधार पर नौकरी मिलती थी। हाँ, ये मैं जानता हूं कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती और एक माइंडसेट भी यहां का रहा है। एक टाटा टेक्नोलॉजी के लोग यहां सेंटर चलाते हैं बारामूला में, एक जम्मू में, वहां बीटेक एमटेक किए हुए लड़के वहां ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, इंडस्ट्री 4.0 की, खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इन चीजों की ट्रेनिंग करने। एमटेक किए हुए कुछ बच्चे वहां ट्रेनिंग करके और बड़े ही इक्विप्ड है, वेल इक्विप्ड है। मैं उनसे बात कर रहा था, कैसे आप कश्मीर में कोई नौकरी मिले तो करेंगे, जम्मू कश्मीर के बाहर नहीं जाएंगे। इससे अब यहां का युवा बाहर निकल रहा है। तो मैंने जैसे कहा कि सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती, हमने कोशिश की भारत सरकार की, जम्मू कश्मीर प्रशासन की, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स है, जैसे PMEGP, ये भारत सरकार की स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पिछले 3 वर्षों से लगातार जम्मू कश्मीर की आबादी 1% है हिंदुस्तान की, और पिछले 3 वर्षों से लगातार वी आर नंबर 1 इन द कंट्री। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वो हमसे पीछे है, चाहे वो यूनिट एस्टेब्लिश करने में या इंडिविजुअल को रोजगार देने में। बैक टू विलेज एक कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया था, बैक टू विलेज माई टाउन माई प्राइड, उसमें ढेर सारे काम होते थे, उस समय नहीं कि मैं उस पर एक एक पर चर्चा करूं। उसमें एक मुख्य काम यह भी था पहले फेज में कि हर पंचायत से 10 यूथ आइडेंटिफाई करना और वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे उनकी हैंड होल्डिंग करके उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सकता है। और सेकेंड फेज में हमने हर पंचायत से 15 नौजवानों को सिलेक्ट किया, बच्चे भी थे, बच्चियां भी थीं,
और मुझे याद है पिछले 25 जनवरी को एक दिन में 936 करोड़ रुपए 92,000 नौजवानों को आर्थिक सहायता बैंक ने दी थी। उसके पहले साल 75,000, यह संख्या काफी बड़ा है। मिशन यूथ करके एक नया डिपार्टमेंट यहां बना और नौजवानों की राय से कई स्कीम हमने चालू की है, नौजवानों के लिए, बच्चियों के लिए, वो राइज टुगेदर, तेजस्विनी, हौसला, अनेक ऐसी स्कीम मुमकिन, जिससे रोजगार देने में हमें काफी सफलता मिली। दूसरा, और रोजगार कहां से जागृत हो सकता है, तो मुझे लगता है कि 13 लाख फैमिली है यहां की, जम्मू कश्मीर की अप्रोक्सीमेटली 70% आबादी जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी पर अपना जीवन यापन करती है। एलाइड मैंने हॉर्टिकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, फिशरी हो गया, सेरिकल्चर हो गया। उसके लिए आज से 1.5 साल पहले देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों के साथ मिलकर के एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान हमने बनवाया। हमने क्या, मैंने हमारे साथियों ने, प्रशासन ने, और जो एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट पर जो हमारा एनुअल बजट था उसके अलावा 5,013 करोड़ रुपए अगले 5 साल, मैंने हर साल 1,000 करोड़ रुपया अधिक खर्च हम कर रहे हैं। 29 प्रोजेक्ट हम लोगों ने डिजाइन करी और उद्देश्य क्या है, आज हम आमदनी के मामले में हमारा किसान देश में 5वें स्थान पर है। और आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, 1 साल से ऊपर हो गया, 1.25 साल हो गया, जब ये प्रोग्राम हमारा पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो मुझे लगता है कि वी विल बी डेफिनेटली नंबर 2 और नंबर 1 इन द कंट्री। दूसरी बात, एक छोटी बात मैं बताता हूं, अब 29 प्रोजेक्ट की चर्चा मैं करूं ये समय भी नहीं है और आपके पास भी समय नहीं है, मेरे पास भी नहीं। जैसे वैली में मस्टर्ड की खेती नहीं होती थी, सरसों जिसे कहते हैं, पिछले 2 साल से मस्टर्ड की खेती वैली में हो रही है। और मुझे लगता है कि एक हेलीकॉप्टर से जाते समय या गाड़ी से जाते समय आप देखेंगी जब आप आएंगी तो लगता है कि एक येलो रिवॉल्यूशन पूरे वैली में आ गया। अब एक सामान्य आदमी को यह समझ में आता है कि मस्टर्ड की खेती हो रही तो क्या होगा, तो एडिबल ऑयल हो जाएगा, खाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए तेल मिल जाएगा। अब मैं बताता हूं उसके 3 लाभ है। जम्मू कश्मीर में फॉडर डेफिसिट है, चारे की दिक्कत है, जितने चारे की जरूरत है फॉडर की उसका 40% जम्मू कश्मीर प्रोड्यूस करता है। अब HADP के इम्प्लीमेंट होने के बाद जो टारगेट हमारा है वो 80% फॉडर हमको मिल जाएगा। तो सामान्य रूप से जो मस्टर्ड की पैदावार हो रही है उसमें 34% ही ऑयल निकलता है, 66% ऑयल केक निकलता है जिसे हिंदी में खली कहा जाता है। अब वो पशुओं को फॉडर के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। एक तीसरा बड़ा लाभ जो हुआ, मधुमक्खी हनी जो बी कीपिंग का काम हमारे किसान भाई करते हैं, लगभग 30-35 दिन पहले मधुमक्खियां वैली में आ गई जिससे हनी और बी कीपिंग से जुड़े हुए किसानों का बड़ा लाभ हुआ। मीट, एग्स, अब ये बाहर से आता है, यहां कंजम्पशन बहुत है, हम पैदा नहीं कर पाते। मिल्क डेफिसिट स्टेट थे, अब हम मिल्क सरप्लस की ओर जा रहे हैं। तो इस तरह की स्कीम बनाई, अब उसमें ढेर सारे एग्री एंटरप्रेन्योर बनेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो ये हमारा फोकस एरिया है। लगभग 2,62,000 ऐसे किसान हैं जो मार्जिनल फार्मर है। अब यहां एक एप्पल की ही हाई डेंसिटी प्लांटेशन, एप्पल का ही अलाउड था, आज 12 फसलों में हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर रहे हैं। अब दूसरा सेक्टर रोजगार कहां से आ सकता है, तो वो इंडस्ट्री हो सकती है। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आजादी से लेकर 2021 तक कुल करीब 14,000 करोड़, 14,000 करोड़ का यहां हुआ था। 2021 में एक न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए भारत सरकार के सहयोग से बनी। और मैं कहना चाहता हूं कि देश के किसी भी राज्य से बेहतर इंसेंटिव आज जम्मू कश्मीर दे रहा है। और उसका प्रतिफल ये हुआ कि आज हमारे पास 1.25 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रपोजल्स हैं। सबको हम जमीन नहीं दे पा रहे हैं। 8,800 करोड़, 8,800 करोड़ के इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतर गए, उनका प्रोडक्शन शुरू हो गया है। 18,000 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो थे वो जमीन पर काम हो रहा है। जो शेष बचे हैं सबको जमीन देने की स्थिति में हम नहीं हैं, लेकिन जितने प्रपोजल हैं आज 60-65% लोगों को हम जमीन दे पाएंगे। लैंड बैंक बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। 46 नए इंडस्ट्रियल इस्टेट जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं। कश्मीर वैली में कोल्ड स्टोरेज और CHN की बड़ी आवश्यकता है क्योंकि यहां हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस बहुत होता है।
कोल्ड स्टोरेज की क्षमता में पिछले चार साल में दोगुने से ज्यादा की वृद्धि हुई है और मुझे लगता है कि अगर छह गुना वृद्धि होगी तो भी यहां जरूरत है। इमार करके जो दुबई का ग्रुप है वहीं श्रीनगर में इधर नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा माल बना रहा है, आईटी टावर यहीं श्रीनगर और जम्मू में बना रहा है, तो यहां तीन तीन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहे हैं, तो एक रोजगार यहां से भी सृजित होगा। और चौथा जो मुख्य रोजगार का यहां साधन होगा वो टूरिज्म होगा। मैं कह सकता हूं कि पिछले दो तीन वर्षों में अनप्रेसिडेंटेड टूरिस्ट यहां आया है। लास्ट ईयर 2 करोड़ 11 लाख लोग आए और ये आंकड़ा मैं समझता हूं कि इस बार 2.25 करोड़ से ऊपर जाएगा। फॉरेन टूरिस्ट इन्फ्लक्स को भी आप देखेंगे तो 2.5 गुना से ज्यादा टूरिस्ट बढ़ा है। अब वो शिकारा वाला है, होटल वाला है, टैक्सी वाला है, ऑटो वाला है, खोमचा वाला है, इन सबको रोजगार के और आमदनी के नए साधन निश्चित रूप से मिले हैं। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम यहां की विशेषता रही है। डाउनवर्ड ट्रेंड हमारा शुरू हो गया था एक्सपोर्ट का पिछले दो सालों में, अब वो अपवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है और 1163 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट लास्ट ईयर हमने किया है, इस साल हम उससे ज्यादा करेंगे। इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की तो 2016-17 में ये मोटे तौर पर 1,70,000 करोड़ की इकोनॉमी थी जो 22-23 में 2,45,000 करोड़ की हो गई और इस फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में 2,63,000 करोड़ की हो जाएगी। मैंने पिछले 4-5 साल में इकोनॉमी भी यहां की डबल हो गई। जो हमारी ग्रोथ रही वो 7.61% रही। एक छोटा उदाहरण देता हूं, एक यहां जम्मू कश्मीर बैंक है, जब मैं आया था तो 1100 करोड़ के घाटे में चलता था, एनपीए 10.4% था और अभी 1727 करोड़ के प्रॉफिट में है, एनपीए 3.91 है। तो ये सब बदलाव हुए हैं और यहां के लोगों के सहयोग से हुए हैं। तो मैं समझता हूं एक कोशिश की जा रही है, हमारी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कैसे उनको रोजगार अधिक से मिले, अधिक से अधिक मिले, उनका बिजनेस कैसे स्केल अप किया जाए। तो 8 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं, 7 लाख से जो इन कामों से जुड़ी हुई हैं। तो एक कोशिश हो रही है, लेकिन मैं जानता हूं कि इसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं जिन्हें रोजगार नहीं है। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना होगा, टूरिज्म जितना बढ़ेगा, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में जितना काम होगा, मैं समझता हूं उससे रोजगार बढ़ेगा। तो मैक्सिमम टेररिज्म वर्सेस मैक्सिमम टूरिज्म, तो यही तो हकीकत है सेना जी जो आप बता रहे हैं। शायद इसीलिए खिलता कश्मीर से कुछ लोगों को समस्या है। अब मैं तो ये देख रही हूं, आपने कहा कि आप राजनीतिक मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, उस पर जवाब नहीं देंगे, लेकिन वो ये मेरे लिए उचित नहीं, आपके लिए उचित नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि पूरा चुनाव जो है ये तीन ही मुद्दों पर हो रहा है, कश्मीर का इतिहास, अनुच्छेद 370 और मनोज सिन्हा जी। तो मैं जरा कोट अनकोट करना चाहूंगी कि एक नेता जो आप भी जानते हैं, उन्होंने कहा 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, देश को संविधान दिया, लेकिन आज जेएनके में राजा है और उनका नाम है एलजी। अब इस तरह के कमेंट जब पूरे चुनाव प्रचार में जनता के बीच जाकर होंगे तो उसका तो कुछ जवाब आएगा। दो बात मैं कहूंगा, एक तो जो लोग जिम्मेदार पदों पर हैं, खासतौर से जो संवैधानिक पदों पर बैठते हैं या संविधान की शपथ लेते हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज पर और न्यायालयों पर, जुडिशियरी पर कमेंट नहीं करना चाहिए। और स्वाभाविक रूप से जो लोकतांत्रिक संस्थाएं, हमारी संवैधानिक संस्थाएं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, लेकिन इस देश की एक परंपरा रही है कि उन संस्थाओं को डिग्रेड कोई नहीं करता है। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। राहुल गांधी ने जो कमेंट लोकतंत्र किया, आपको राजा कहा और कहा आपने एक तरीके से, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और कमेंट करें, वो मैं इससे ज्यादा क्या कहूं। लेकिन मैं यही कह सकता हूं कि लोगों को बचना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि चुनाव हो रहा है, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनसे वो चुनाव लड़े। अनावश्यक रूप से अगर मैं कहूंगा तो शायद अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं उनको एक सलाह दूंगा कि अगर उनके पास कोई तंत्र है तो एक वो सीक्रेट बैलेट करा लें जम्मू कश्मीर में और आम आदमी की आवाज जान लें, उन्हें समझ में आ जाएगा कि पिछले 4-5 वर्षों में बदलाव क्या हुआ है। बदलाव जिसकी आप बात करें, 45 साल के बाद डोडा में
देश के किसी भी प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोडा में रहेंगे। आपका मैंने एक स्टेटमेंट देखा, आपने कहा हम शांति खरीदने में विश्वास नहीं करते, तो क्या ये एक तरीके से संकेत था कि जो वास्तविकता है वो ये है? दो बात समझिए कि शांति जब खरीदी जाती है तो अस्थाई नहीं होती, शांति स्थापित की जाती है अस्थाई रूप से, तब शांति आती है। तो ये मौलिक अंतर ये सबको समझना चाहिए। यहाँ बहुत सारी चीजें कई वर्षों बाद हुई, 34 वर्ष बाद श्रीनगर में सिनेमा हॉल खुला, शोपिया में सिनेमा हॉल खुला, पुलवामा में सिनेमा हॉल खुला, 34 साल बाद मुहर्रम का जुलूस निकला, शांतिपूर्ण ढंग से निकला। तो बहुत सारी चीजें पहली बार हुई हैं। प्रधानमंत्री जी की रैली है तो ये कोई मुझे लगता है कि स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। डोडा नहीं, हर जगह रैली होनी चाहिए। ऐसा वातावरण मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में बने, देश में बने, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। और हर पक्ष की बात आवाम सुने उसके बाद अपना फैसला करे, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है भारत के। दो तीन छोटी छोटी सी बातें हैं मनोज जी, आप जम्मू के लिए अब क्या विजन है? क्योंकि एक मुद्दा ये बनाया जा रहा है और ये सवाल मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ इसका जवाब, कि आपको लगता है कि घाटी में तो अब शांति हो गई लेकिन एपिसेंटर या यूं कहें कि फोकस जो है वो जम्मू की तरफ चला गया, अब उस पर ध्यान देने की जरूरत है अगर हम टेररिज्म की बात करें या कुछ असामाजिक तत्वों की बात करें? इसको इस तरह से समझिए, खासतौर से कश्मीर रीजन चिंता का विषय था देश के लिए और यहां के लिए, प्रशासन और सरकार का भी ध्यान विशेष रूप से यहां था। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि जिन भी तंजीमों का नाम आप जानती हैं, अब उनका कोई टॉप कमांडर यहां नहीं है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि आतंकवादी गिनने में मेरा भरोसा नहीं है। वो आंकड़े मैं बता सकता हूं परसेंटेज वाइज कि सिविलियन किलिंग कितनी कम हुई, फोर्सेस की किलिंग कितनी कम हुई, वो आंकड़े हैं मेरे पास, लेकिन मैं उसमें समय जाया नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि एक लोकल रिक्रूटमेंट कितना होता है ये एक बड़ा भारी फैक्टर है। अगर उसको पिछले जब से आतंकवाद यहां शुरू हुआ है, मैं समझता हूं वो लोवेस्ट लेवल पर है आज की तारीख में, और उसका कारण यही है कि उसको ये लग रहा है यहां के नौजवान को कि नहीं, अब हमारा भविष्य भारत के साथ है। चुनाव में भी यहां के लोगों ने विश्वास व्यक्त किया कि पड़ोसी जो हमको गुमराह कर रहा था अनावश्यक, पता नहीं कितने निर्दोष बच्चों की जान चली गई, यहां की सड़कें, यहां की नदियां अनेक निर्दोष लोगों के खूनों से लाल हो गई, अब उसको समझ में आ गया कि हमारा भविष्य भारत और भारत के लोकतंत्र के साथ है। जहां तक जम्मू रीजन का सवाल है, ये सच है कि पिछले 1.5 साल से वहां आतंकवादी घटनाएं कुछ हुई हैं, जिन बातों का मैंने पहले जिक्र किया, शांति, स्थिरता, डेवलपमेंट, G20 का आयोजन, लोकसभा चुनाव में भारी मात्रा में मतदान, अब इससे पड़ोसी के पेट का दर्द बढ़ गया। जो देश अपने नागरिकों को न्यूनतम सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, अब हमारा तो बॉर्डर है, यहां बिजली मिल जाती है, यहां अस्पताल भी है, पढ़ाई भी है, उस पर आटे के लिए लंबी लाइन लगी हुई है, उसके लिए मारामारी हो रही, तो अब उस आर्थिक रूप से संपन्न होगा पड़ोसी तो भी उसके लिए जम्मू कश्मीर में कुछ न कुछ करना है, और जब इंटरनल उसकी प्रॉब्लम होगी तो भी इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण से करना है। तो जब एक मिनट मुझे समझ दीजिए, तो लोकल रिक्रूटमेंट जब नहीं हुआ तो उसने कश्मीर में भी और जम्मू रीजन में भी काफी फॉरेन टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट कराया। जम्मू रीजन कंपैरेटिवली 15-16 साल से शांत था, फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट था अपर रीचेस पर वो हटा ली गई थी। अब मैं कह सकता हूं कि फोर्सेस ने अपनी पोजीशनिंग जो पहले थी वो ले ली है, विलेज डिफेंस गार्ड हमारे जो है वो पूरी तरह से तैयार हो गए, उनको ऑटोमेटिक वेपन्स भी दिए गए, और मुझे लगता है कि अब यहां की आवाम नहीं चाहती है क्योंकि आतंकवाद और अलगाववाद का दंश यहां के अनेक परिवारों ने झेला है और जम्मू की जनता ने कभी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया। अभी दो दिन पहले ही बसंतगढ़ में आपने अखबार में पढ़ा होगा, तो मुझे सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी पर, सेना की बहादुरी पर, जम्मू कश्मीर पुलिस की बहादुरी पर मुझे पूरा भरोसा है। और मैं आज कह सकता हूं कि आने वाले 3-4 महीने में ये लोग भी वहीं पहुंच जाएंगे जहां इन्हें पहुंचना चाहिए। आपने क्योंकि मनोज जी पड़ोसी का जिक्र कर दिया, तो पड़ोस से तो ये वीडियोस, ये बयान वहां की आवाम के आते हैं कि भाई पीओके भी अब जरा भारत के पास ही आ जाए क्योंकि वक्त आ गया है, हमें भी शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए और खासकर विकास चाहिए, तो वक्त आ गया है अब। देखिए मैं अपनी मर्यादा और सीमा जानता हूं,
मेरा कार्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के हर परिवार को मैं अपना परिवार मानता हूं। अब पीओके में क्या होगा इसके लिए भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय बनाया है, भारत सरकार है, तो उस पर मैंने जिसका जो काम है अगर वो काम करेगा तो मुझे लगता है कि वो बेहतर होगा। तो अनावश्यक रूप से मैं अपनी सीमा और मर्यादा के बाहर नहीं जाना चाहता हूं। एक तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां बहुत सारे लोग हैं जिनको शायद पता होगा, ये बात एक नहीं आ रही कि ये चुनाव जो विधानसभा का है ये 50 वर्ष बाद एक ऐसा चुनाव है जिसमें जम्मू कश्मीर में 5 साल की विधानसभा बनने जा रही। नहीं तो 1975 से देश में बाकी विधानसभा असेंबली 5 साल की होती थी, जम्मू कश्मीर की असेंबली 6 साल की होती। इसके मौलिक कारण को अगर आप समझेंगे तो जब देश में इमरजेंसी लगी थी, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया, और उस समय क्या क्या हुआ था मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, तो संविधान संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल के लिए क्या किया गया था, और तब अनेक राज्यों को भी कहा गया। तो उस समय जो जम्मू कश्मीर का संविधान था उसमें लोकसभा संसद द्वारा पारित कानून आप चाहें तो अडॉप्ट करें, चाहें तो न अडॉप्ट करें, 75 में जम्मू कश्मीर ने 6 साल वाला जो संशोधन था उसको अडॉप्ट कर लिया। तब से यहां 6 साल की विधानसभा होती थी। अब यह पहली बार है 50 साल बाद जब देश के बाकी राज्यों में विधानसभा 5 साल की है तो जम्मू कश्मीर में भी 5 साल की होगी। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करने वाले लोग ये शायद नहीं समझ पा रहे हैं कि आपातकाल का ध्वंसावशेष 50 साल तक जम्मू कश्मीर ने उनके गलत नीतियों के कारण झेला है। तो ये गलत नीतियां आपको लगता है अब बिल्कुल सुधर गई हैं और उस राह पर है? मेरी समझ क्या है, मैं क्या समझता हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है। जम्मू कश्मीर के नागरिक आवाम क्या समझते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। विशेष राज्य को लेकर, विशेष राज्य का दर्जा जिसकी बात हो रही है, पूर्ण राज्य का दर्जा, उस पर भी तमाम बातें। मैं दो बात कहना चाहता हूं, राजनीतिक कारणों से भाषण देना अलग बात है, तथ्य रखना अलग बात है। 5 अगस्त 2019 को देश की संसद में जब गृहमंत्री जी ने बिल प्रपोज किया था तो उन्होंने 3 बात कही। पहली बात कही डिलिमिटेशन फर्स्ट, फिर उन्होंने कहा कि असेंबली इलेक्शन, और तीसरी बात कही कि देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। अब चीजें उसी सीक्वेंस में चल रही। डिलिमिटेशन माने मैं रोज सुनता हूं 10 साल बाद चुनाव, अरे भाई 2014 में चुनाव हुए थे, कायदे से अगर 5 अगस्त 2019 को 370 एब्रोगेट न होती तो 2020 में चुनाव होते, अगर 5 साल का भी टेन्योर होता 2019 में चुनाव होता। 5 अगस्त 2019 को एक विशेष परिस्थिति पैदा हुई जो उस समय गृहमंत्री जी ने देश की संसद में कहा, उसी सीक्वेंस में डिलिमिटेशन, 83 असेंबली सीट थी लद्दाख अलग होने के बाद, 7 नई असेंबली सीटें यहां बढ़ गई। अब वो 7 सीटों की बाउंड्री कैसे डिसाइड होती, तो एक संवैधानिक व्यवस्था है इलेक्शन कमीशन की, डिलिमिटेशन कमीशन की। जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक डिलिमिटेशन कमीशन बना, श्रीनगर आया, जम्मू गया, किश्तवाड़ गया, कुपवाड़ा गया, रजौरी गया, और यहां के अनेक स्टेक होल्डर्स दिल्ली गए। 2022 के अंत तक नवंबर में डिलिमिटेशन का काम खत्म हुआ। तो एक्चुअली तो चुनाव 2022 नवंबर के बाद ही हो सकता था। अब जो पुरानी वोटर लिस्ट थी, अब 8 साल में 10 साल के बच्चे भी मतदाता हो गए, तो अगर उनका नाम न होता तो ये भी लोकतंत्र के साथ अन्याय होता। चुनाव कब होंगे इसका फैसला हम सब जानते हैं कि भारत का निर्वाचन आयोग कर, तो लोकसभा चुनाव के साथ होगा या नहीं होगा भारत के निर्वाचन आयोग ने फैसला किया, उसे बाद में कराएंगे, वो चुनाव हो रहा है। तीसरी बात, 21 जून को माननीय प्रधानमंत्री यहीं आए थे योगा डे के उपलक्ष्य, उस दिन भी उन्होंने कहा था कि चुनाव जल्दी होंगे, और उस दिन भी उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यहां को जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि संसद को जो लोग समझते हैं, संसद में कही हुई बात का अर्थ क्या होता है, वो निश्चित रूप से एक तरह से आश्वासन है, और वो आश्वासन पूरा करना ये वैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से अनिवार्य होता है सरकार के लिए। अंत में चलते चलते मनोज जी, मनोज सिन्हा जी के दिल की बात, क्योंकि अब चर्चा ये भी हो रही है कि कश्मीर जिस मुकाम तक पहुंचना था लगभग उस राह पर पहुंच गया है, चुनाव भी हो रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव और खिलते कश्मीर की बात हो रही है, क्या मनोज सिन्हा जी अब एक तरीके से जो राजनीतिक
दृष्टि से उनको देखा जाता था, वापसी उनकी वहां होने वाली है? राजनीति केवल चुनाव लड़ना नहीं होती है। मुझे लगता है कि इस देश में एक गलत धारणा बन गई कि राजनीतिक दल में काम करना और चुनाव लड़ना यही राजनीति है। मुझे लगता है कि लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आ सके, इससे बड़ी राजनीति, मानव सेवा से बड़ी राजनीति कुछ नहीं है। और मैं अपनी बुद्धि, क्षमता, विवेक के अनुसार जो मेरी समझ है उस हिसाब से उस काम को कर रहा हूं, और जब तक हूं पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से इस काम को पूरा करूंगा। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कहा जा रहा है कि चुनाव तो हो रहे हैं लेकिन बाद में भी जो पूरी शक्तियां हैं वो तो आप ही के हाथ में रहेंगी। दो बात समझिए कि जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें यही व्यवस्था है। दूसरी बात कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अक्टूबर 2019 में देश की संसद ने बनाया था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब क्या है कि हमको दिखाई पड़ रहा है कि वहां वो बैठे हैं, अब हम उनको नहीं पहचानना चाहते हैं तो चाहे जितने पावर का हमको चश्मा लगा दीजिए, हम कहेंगे नहीं साहब वो टाई नहीं पहने, वो तो पैजामा पहने। तो कुछ लोगों को बोलना है क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है। वो शक्तियां पहले स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में थी, और अगर शक्ति बढ़ाने की बात होती तो बिना पार्लियामेंट गए नहीं बढ़ सकती थी। इट वॉज ए सिंपल नोटिफिकेशन, उसको अनावश्यक रूप से प्रचारित किया जा रहा है। दूसरी बात, मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए। जो भी सरकार चुन के आएगी मुझे, मैं उनको अग्रिम शुभकामना देता हूं। किसी चुनी हुई सरकार का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि उद्देश्य यही होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में शांति हो, समृद्धि आवे, विकास हो, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। अगर ये सरकार का मुद्दा है तो मैं खुलेआम इन लोगों के बीच में कह रहा हूं और जो लोग चैनल देख रहे हैं कि उस सरकार को 100% मेरा समर्थन होगा। हाँ, मुद्दा अलग होगा, तब मुझे अपने विधिक और संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करना होगा। तो लाउड एंड क्लियर मैसेज मनोज सिन्हा जी ने दे दिया है। जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं चुनाव पर और जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं चुनाव बाद आखिर लोकतंत्र का क्या होगा, उन सबको दो टूक जवाब यहां पर मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सिन्हा जी इस बेमाग बातचीत के लिए डीडी न्यूज से। वादी कश्मीर से और जबरवन हिल्स के तले डल झील के किनारे इस खूबसूरत एसकेआईसीसी के लॉन्च से दूरदर्शन न्यूज आप तक लेके आ रहे हैं खिलता कश्मीर खास अंक। खास इसलिए क्योंकि 10 साल बाद यहां पे आम चुनाव होने वाले हैं और पहले चुनाव आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद, और कहा जाता है और माना भी जाता है कि ये चुनाव कई मायनों में और भी ज्यादा खास है क्योंकि नया कश्मीर का जो टेम्पलेट है, जो नैरेटिव है, वो इन चुनावों में एक बहुत ही अहम रैलिंग पॉइंट या मुद्दा भी माना जाता है। लेकिन ये एपिसोड या ये अंक खास है क्योंकि हमारे साथ मौजूद ऐसे मेहमान हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप हैं उमर अब्दुल्ला साहब, आप तालियों से इनका स्वागत करें। आप जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, आप सेंटर में भी आपने दो मिनिस्ट्रीज का एज अ MOS कार्यभार भी संभाला, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरपर्सन हैं और आप अब्दुल्ला फैमिली के थर्ड जेनरेशन पॉलिटिशियन भी है। मुस्कुरा रहे हैं उमर साहब, और आप इन चुनाव में फिर से शिरकत भी कर रहे हैं लेकिन आपने पहले कहा था कि आप नहीं लड़ेंगे, देन यू हैड अ चेंज ऑफ हार्ट। ये बदलाव कैसे हुआ, कहां से आया? और उसके साथ ही मैं ये सवाल जोड़ना चाहूंगी उमर साहब, ये वोट या जो आपका जो आउटरीच है टू द पीपल ऑफ कश्मीर, योर ओन पीपल, किस पे आधारित है? ओपनिंग रिमार्क्स। देखिए, आपका पहला सवाल ये था कि जब इलेक्शन ना लड़ने की मैंने बात की थी तो फिर मैदान में कूदा क्यों, और सवाल सही है, पूछा भी जाना चाहिए जी। इत्तेफाक से मैं कल इसी जगह किसी और चैनल के प्रोग्राम के लिए इसी तरह यहीं पर बैठा था और उनका भी पहला सवाल यही था कि क्योंकि ये सवाल इनका है। मैं समझता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जाहिर सी बात है। अच्छा चलिए, मैं इसमें एक ट्विस्ट ऐड करती हूँ। चलिए ऐड करिए ट्विस्ट। शायद ये भी आपसे पूछा गया हो क्योंकि सवाल तो वही बनते हैं।
पहले तो यू हैड अ चेंज ऑफ हार्ट एंड माइंड जो आप हमें बताएंगे, और उसके बाद एक सडन डिसीजन कि दो कंस्टिट्यूएंसी से आप आगे बढ़ेंगे, ये कई लोग कह रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड था। फिर उसमें आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है कि क्या आप, अगर रिजल्ट्स आपके फेवर में रहे तो क्या आप एक यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर बनना चाहेंगे? चलिए अब आप जवाब दीजिए। सवाल किए आपने कि मुझे अब पहले तो सवाल याद रखने होंगे। आखिरी सवाल का मैं पहले जवाब दे देता हूँ। 8 अक्टूबर के बाद वजीर आला का फैसला होगा। पहले लोगों की बहुमत आने दीजिए। मैं इलेक्शन के नतीजों से पहले इस सवाल को लेके बात करना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मुझसे इसी तरह की गलती हुई। मैं पार्लियामेंट के लिए सवाल तैयार कर रहा था, मैं पार्लियामेंट के लिए रेजोल्यूशंस तैयार कर रहा था, मैं पार्लियामेंट के लिए अपनी पहली तकरीर कर रहा था, लेकिन बारामूला के लोगों ने मुझे पार्लियामेंट के लिए तैयार ही नहीं किया। तो वो सवाल, वो रेजोल्यूशंस, वो तकरीरें सब रह गई। इस बार मैं वो गलती करूंगा नहीं। 8 अक्टूबर को नतीजे निकलने दीजिए, उसके बाद अगर अलायंस को लोगों की तरफ से बहुमत मिली तो वजीर आला की कुर्सी के दफ्तर का फैसला जो है उसके बाद होगा। अब मैंने अपना फैसला क्यों बदला, वो इसलिए कि मैं अपनी जगह कायम था कि मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे कई लोगों ने, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, या तो व्हाट्सएप के जरिए उनको मेरा नंबर मिला, जब ये इलेक्शन कमीशन में जब आप फाइल करते हैं तो नंबर आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, तो उनको मेरा नंबर मिला, ईमेल मिला, और उस जरिए उन्होंने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा। उन्होंने मुझसे ये कहा कि ना, आप असेंबली इलेक्शन के दौरान हमसे वोट मांगेंगे, आप कहेंगे कि असेंबली के लिए वोट दें, लेकिन जिस असेंबली के लिए उमर अब्दुल्ला खुद खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, लोग उस असेंबली को वोट दे क्यों? अगर मैं खुद उस असेंबली को नहीं मानता हूं तो मैं किस मुंह से जाके लोगों से कहूं, देखिए ना, ये असेंबली मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन आपको इस असेंबली के लिए वोट देना होगा। तो अपनी जगह मैं मान गया कि मेरा ये कहना कि मैं ये असेंबली का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, ये गलत है। या तो फिर मेरी तंजीम भी ना लड़ती, या तो फिर मैं लोगों से कहता कि आप इस इलेक्शन में हिस्सा ना लो जी। और वो मैं करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं लोगों को वोट डालने के लिए तैयार कर रहा हूं तो उस असेंबली के लिए मुझे खुद तैयार रहना होगा, इस चीज को जानते हुए कि ये वो असेंबली नहीं है जो हम चाहते हैं जी। ना ये वो असेंबली है जिस असेंबली का हमें हक है, लेकिन उस असेंबली तक पहुंचने के लिए ये असेंबली जो है एक अहम कदम है। तो चलिए यहां से हम शुरू करते हैं। अब आपने मुझसे पूछा कि मैंने 2 सीटों पर क्यों लड़ा, क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता था कि मेरे पीछे जेल से लोग लगाए जाते हैं सिर्फ मुझे हराने के लिए। बारामूला में जब ये हुआ कि मैंने इसको अनयूजुअल नहीं समझा, मैंने सोचा ना, अब ये चलिए, इंजीनियर रशीद साहब ने इससे पहले भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था 2019 में, वो एक से ज़्यादा बार वहाँ लंगेट से एमएलए रह चुके हैं, उनका वहाँ से इलेक्शन लड़ना कोई मतलब अनयूजुअल बात है नहीं। लेकिन जब मेरे नामजदगी का गांदरबल से ऐलान हुआ तो अचानक यहाँ अफवाहों की बाजार जो है वो शुरू हुई, और ये अफवाह चली कि एक सर्जन बरकती साहब, जिनके कागज साउथ कश्मीर के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से नामंजूर हुए, वो अब गांदरबल आएंगे मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने। और मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा उसका ना गांदरबल से कोई लेना देना, ना उसने गांदरबल में कभी इलेक्शन लड़ा है। मुझे लगता है अगर आप उसको जम्मू कश्मीर का नक्शा दिखाओगे तो वो गांदरबल शायद उस नक्शे पर ढूंढ भी नहीं पाएंगे। मुझे लगा कि ये शायद कोई साजिश के तहत मुझे ये लोग मेरे पीछे लगाए जा रहे हैं। और इसको साबित करने के लिए मैंने कहा मैं चोरी छुपे एक दूसरे सीट की तैयारी करूंगा, मैं उस सीट का ऐलान करूंगा नहीं। और हमने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, एक बीरवा, एक बड़गाम। तैयारी मैंने बड़गाम की पूरा होमवर्क, लेकिन बेचारे बरकती साहब, उनको शायद लगा कि क्योंकि 2019 में मैं बीरवा से जीत के गया था तो इस बार भी मैं बीरवा से दूसरी जो है सीट भरने का काम करूंगा। गलती लगी, वो बीरवा चले गए, मैं बड़गाम आ गए। लेकिन साबित मैंने किया कि इन लोगों को जेल से लाया जाता है सिर्फ मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए। चलिए, हम रिजल्ट्स डे तक वी विल वेट एंड देन वी विल हैव अनदर कॉन्वर्सेशन रिवॉल्विंग दिस। अब कंटिन्यूएशन टू दैट, 2014 में मैंने आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू किया था यहीं पास में,
फ्लड्स, यू वर द चीफ मिनिस्टर, आप मुख्यमंत्री थे और उसके बाद अब आप चुनाव लड़ रहे हैं. इन 10 सालों में कहते हैं ना लॉट ऑफ वाटर हैज पास्ड अंडर द ब्रिज, लेकिन आपका पॉलिटिकल फील्ड भी काफी चेंज हो गया है. इस बार आपकी जमात ब्लैंकेट बायकॉट नहीं दे रही है लेकिन पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है. इस बार बीजेपी आपको एक फॉर्मिडेबल चैलेंज दे रही है और पीडीपी को भी दे रही है, ये बीजेपी का दावा है. वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं, अब वो कहेंगे. हाँ, तो कहें, अभी ये जो चेंज आपको बीजेपी का चैलेंज यहाँ नजर कहाँ आता है? हमें तो बीजेपी कहीं ग्राउंड पे नजर नहीं आती. वो चलिए आपके चैनलों के जरिए वो बात करते हैं, लेकिन जिस पार्टी ने कश्मीर के तमाम सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए वो क्या चैलेंज करें? जम्मू नहीं, जम्मू तो अलग बात है. जम्मू में तो चलिए जम्मू में बीजेपी का रहा है, जम्मू का लेकिन, कश्मीर का लेकिन सिर्फ जम्मू जीत के आप हुकूमत नहीं बना सकते. तो आपका मानना है कि बीजेपी का यहाँ पे अभी कोई बीजेपी का जम्मू कश्मीर में, जम्मू में तो चलिए है कुछ जगहों पे, मान लिया आपने जम्मू में है, लेकिन जम्मू में 2014 के मुकाबले में आज उनकी पोजीशन जो है काफी कमजोर है. आप 2019 के पार्लियामेंट के नतीजे देखिए और 2024 के नतीजे देखिए, उस वक्त बीजेपी को कितने वोट मिले, इस बार कितने वोट मिले. जहां उस बार दोनों जम्मू के उम्मीदवार और उधमपुर के उम्मीदवार 3 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीते, इस बार उनका मार्जिन 1.5 लाख के आसपास जाके रुक गया. कश्मीर में उनका कोई नामो निशान देखने को मिल नहीं रहा. नामो निशान आई थिंक हम एक गन को जंप नहीं करेंगे, देखते हैं अभी आगे क्या होगा. क्योंकि क्या बात है, उम्मीदवार नहीं है. बिल्कुल उम्मीदवार नहीं है, लेकिन भाजपा वही पार्टी है जो आपके हब्बा कदल से उन्होंने कश्मीरी पंडित को टिकट दी है. अच्छी बात है. वो इकलौते कश्मीरी पंडित है. नहीं, बात कश्मीरी पंडित की नहीं है उमर. द पॉइंट इज दैट आपके मैनिफेस्टो में आपने कश्मीरी पंडितों की वापसी का भी देयर इज बहुत इंपॉर्टेंट वो है, लेकिन टिकट्स या नॉमिनेशन भी कई पंडितों ने फाइल. नॉमिनेशन हम नॉमिनेशन टोकनिज्म के लिए नहीं करते. तो आपके लिए विनेबिलिटी नहीं थी कश्मीरी पंडितों? नहीं, ये हकीकत है. बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली इट इज अ फैक्ट, बीजेपी का उम्मीदवार हब्बा कदल से नहीं जीतेगा. चलिए नहीं जीतेगा, ये हकीकत पहले ही प्रिडिक्ट ये आप मान के चलिए वो नहीं जीतेगा. कश्मीरी पंडितों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए. एक तो रिजर्वेशन के जरिए उनकी नुमाइंदगी का बंदोबस्त असेंबली में हो चुका है. आपके क्या लेकिन उसके बावजूद जम्मू कश्मीर में कई ऐसे तबके हैं जो इस असेंबली में नुमाइंदगी नहीं पाएंगे. जम्मू कश्मीर के सरदार हैं, शायद मुझे नहीं लगता है कि इस असेंबली में सरदार जीत के आएगा, लेकिन सरदारों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए. अगर असेंबली के जरिए नहीं तो जब जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस हासिल होगा हमें फौरी तौर अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल को कायम करना होगा और उन तमाम तबकों को नुमाइंदगी देनी होगी जिनकी आवाज पूरी तरह से असेंबली में मौजूद नहीं है. उसमें हमारे सरदार भाई बहन हैं, उसमें हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं, उसमें दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग हैं जिनकी आवाज श्रीनगर या जम्मू तक पहुंचती नहीं है. लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए उम्मीदवार खड़े करना वो उस कौम के साथ नाइंसाफी. चलिए आपका मानना है दिखावा है, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन अब मैं आगे बढ़ूंगी और आपसे ये जानना चाहूंगी ऐसी क्या मजबूरी थी उमर साहब की आपको कांग्रेस से एक कोई मजबूरी नहीं थी. तो फिर क्यों आप कॉन्फिडेंट नहीं थे आप अकेले? अगर बीजेपी वाले यहाँ छोटी पार्टियों के साथ अपना रिश्ता बना सकती हैं, अगर उनके साथ अलायंस के लिए जो है दरवाजा खुला रख सकती हैं, तो हम लोग इलेक्शन से पहले अलायंस क्यों नहीं कर सकते? आप बाद में भी करेंगे? क्यों बाद में क्यों करें जब हमने इलेक्शन से पहले अलायंस किया हुआ है? आप खुश हैं उस अलायंस से? बिल्कुल खुश हैं. अगर हम खुश नहीं होते हम करते क्यों? लेकिन अब हम पोस्ट पोल की बात नहीं करते होम मिनिस्टर साहब की तरह. होम मिनिस्टर साहब ने तो खुल के कहा कि अगर बीजेपी को नंबर नहीं आते वो यहाँ कश्मीर की छोटी पार्टियों के साथ अलायंस करने के लिए तैयार हैं. हम वो लोग हैं जो वोटर को पहले ही से कह रहे हैं ना हमारा है एक अलायंस है, आप हमारे अलायंस को कामयाब करिए. हमारी अलायंस जो है जम्मू से भी सीटें जीतेगी, कश्मीर से भी सीटें जीतेगी. हम तमाम तबकों की नुमाइंदगी करके जम्मू कश्मीर की खिदमत करेंगे. थोड़ा सा इसमें एक छोटा सा सप्लीमेंट्री ऐड करूंगी एंड देन हम आगे बढ़ेंगे. 84 आउट ऑफ 90 का आपका एक कुछ अंडरस्टैंडिंग है और उसमें भी आपकी कुछ फ्रेंडली फाइट है. मैंने कुछ कार्डर्स से बात की तो कुछ कार्डर्स आपस में कंफर्टेबल नहीं है. हम बाहर तो दिखा रहे हैं कि हम एक साथ हैं बट अंदर आप क्या कांग्रेस के बिल्कुल साथ चल रहे हैं क्या? मैं अभी उनके साथ मिलकर कैंपेन कर रहा हूं. से भी बात कर रहे थे अभी हम बात कर रहे थे तो हमारी एक ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग है. चलिए अब आगे देखते हैं. हमने इससे पहले 2 महीने 3 महीने पहले मिलके पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़े जी और नतीजे इतने खराब नहीं थे.
इतने अच्छे भी नहीं थे. छह में से तीन जीते हमने. ओके उमर साहब, ये आपके मैनिफेस्टो में मैंने कश्मीरी पंडित की बात की, आपने दोबारा से पाकिस्तान से बात करने की बात की, लेकिन जरूरत क्या है? क्योंकि पिछले पांच साल में जो हमने, अब यू मे डिसअग्री बट आप इस तथ्य को रबिश नहीं कर सकते हैं, आजकल पेल्टिंग, शटडाउन, कैलेंडर, सेपरेटिज्म, ये यू नो ये सवाल बहुत प्रिडिक्टेबल है, लेकिन ग्राउंड पे तो ये सब नहीं है. आई नो आप कहेंगे कि आतंकवाद अब जब बंद नहीं है, दुकानें चल रही है, हम दुकानें पहले भी चलती थी. कहाँ चलती? आपको 12 में दुकानें खुली नहीं दिखी? कहाँ चलती थी? नहीं थी. कैलेंडर्स होते लोग भूखा मर गए क्या? नहीं, बात भूखा मरने की नहीं तो फिर क्या, अगर दुकानें खुली नहीं थी तो लोगों ने कमाया कैसे? आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर सब ठीक था 19 से पहले? नहीं, सब ठीक तो नहीं था, लेकिन सब खराब भी नहीं था. आप लोगों को बदकिस्मती से, और ये मैं क्या कह सकता हूँ, ये आपकी मजबूरी है, आपको 2014 से पहले जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं दिखता. नहीं, ऐसी बात नहीं, ये हकीकत है, ये आप मान के चलिए. आपको 2014 में जम्मू कश्मीर में अच्छा कुछ नहीं दिखता, आपको सारी खराबी दिखती है, सारी तबाही दिखती है. आपको उस वक्त के टूरिस्ट नजर नहीं आते, आपको उस वक्त के यात्री नजर नहीं आते, आपको उस वक्त की दुकानें नजर नहीं आती, आपको उस वक्त के प्रोजेक्ट्स नजर नहीं आते. आपको लगता है कि 2014 के बाद पैराशूट के जरिए ये सारा कुछ जो है बना है. जहां हम बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी शायद आपके नजरिए में 2014 के बाद बना. ये डल का झील 2014 के बाद भरा, ये पहाड़ियां 2014 के बाद बनी. 2014 में दूरदर्शन ने यहीं पे ऐसा ही एक शो किया था, लेकिन आप लोगों को ये दिखता नहीं है. आप लोगों को सिर्फ 2014 के बाद दिखता है. ओके, नहीं, ये ऐसा, हम 2014 और 2019 के बीच का जो सफर है, हम उसको थोड़ा, लेकिन आपने मुझसे, सॉरी, मैं जिस जो सवाल आपने मुझसे पूछा, मैंने उसका जवाब नहीं दिया कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत पे क्यों जोर दे रहे हैं. आपने ये सवाल उस वक्त वाजपेयी साहब से पूछा था जब वो सरहद पे जाके कह गए कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते. उसके बाद जो हुआ, नहीं ना, नहीं, अगर उस वक्त दूरदर्शन ने, वजीर आजम वाजपेयी साहब ने ये नहीं पूछा कि आप ये क्यों कह रहे हो, आप आज मुझसे क्यों कह रहे हो? लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वी saw lot of bloodshed. But he never shied away from extending a hand of friendship. But our prime minister also never shied away to have a dialogue initially. But then what we saw, we don't want to talk about. चलिए एक सेकंड के लिए मान लीजिए इस हिस्से का जम्मू कश्मीर, हम बालाकोट पुलवामा को तो नहीं भूल सकते ना. इस हिस्से के जम्मू कश्मीर को आप एक तरफ रखिए. जी, जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा उनके पास भी है, क्या उस पर आप बात करने के लिए तैयार नहीं है? वो हिस्सा तो हमसे जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है. है, बिल्कुल है, तो लाइए ना. तो बातचीत के जरिए लाइए. मैं इसलिए कह रहा हूँ बातचीत करिए. okay. आप बातचीत के जरिए, देखिए जंग, एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए. जंग के जरिए आप ला नहीं सकते. आपने कितनी जंग पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी है? 3.5 जंग. एक इंच जमीन वापस लाए हमने? नहीं लाया ना. तो अगर लाने की कोई उम्मीद है, बातचीत के जरिए है. अगर बातचीत पे हम जोर दें तो क्या खराबी है? okay. एक सेकंड के लिए आप इस हिस्से के जम्मू कश्मीर पे बात ना करना चाहें, ना करिए. जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा उस तरफ है, उस पे बात करिए. जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा चीन के पास है, उस पे आप बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? वो भी लाइए ना. क्या वो तैयार है आने क्या के वो लिए? आपका इलेक्शन का मुद्दा तो है नहीं इस बार. तो आप इलेक्शन छोड़िए ना, लेकिन हमारा मुद्दा तो इलेक्शन पे है. चलिए बीजेपी का हो सकता है. आगे बढ़ते हैं, ठीक है. आई गॉट योर पॉइंट. ऑब्वियसली You have an opinion and everybody is entitled to that opinion. अब rallying मुद्दा जो national conference का है, मेरी समझ से restoration of statehood नहीं है. That is your ideology. But आपका इस पर क्या मत है? क्या आपको लगता है कि इस पर आप जो rallies में बात करते हैं ये आपको वोट दे सकता है? Is this your plan? What is your plan on it? किस चीज का? Restoration of statehood. And नहीं, वो तो हम हासिल करके रहेंगे. लोग चाहते भी हैं. लोग अभी तक समझ नहीं पाए कि जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया क्यों गया. आखिरकार जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने से हमें मिला क्या? मुझे आज तक किसी भी एक बीजेपी के लीडर से इस सवाल का जवाब नहीं मिला. मैं मानता हूं कि बीजेपी के लिए 370 एक सियासी मुद्दा था. वो 370 पे जो कर गए, अपने मैनिफेस्टो के तहत कर गए. लेकिन कहीं पर भी बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के दो हिस्सों की बात नहीं की और जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने की बात नहीं की. खुदा रा मुझे ये बताएं ना, अब 2019 के बाद आज ये पांचवा साल है, मुकम्मल हो गए पांच साल, ये छठा साल चल रहा है.
मुझे बताइए ना, आप यूटी बना के जम्मू कश्मीर को क्या हासिल हुआ? आपकी मानना है कि कुछ हासिल नहीं? कुछ नहीं। मुझे बताइए ना, आप ऐसी क्या चीज है जो जम्मू कश्मीर को यूटी के जरिए मिला है जो हमें रियासत के जरिए नहीं मिलता? जो अमन की बहाली की बात होती है, बच्चा स्कूल रेगुलरली जा रहा है, इसके लिए यूटी बनना कहां जरूरी था? बच्चा लेकिन आपका जो टेरर की जो पूरी कमर है वो टूट चुकी है। देखिए, उसके लिए भी यूटी बनना जरूरी नहीं था। हम वैसे आप एक्नॉलेज करेंगे? एक सेकंड, आप शायद आईन को पूरी तरह से समझ नहीं पाती। हम वैसे भी मरकज के ही कंट्रोल में थे, यहां हुकूमत नहीं थी, यहां कंट्रोल होम मिनिस्टर साहब का था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। था या नहीं था? जी बिल्कुल। राजभवन से हो रहा था, ठीक। यहां यूटी की जरूरत नहीं थी, यहां वैसे भी दिल्ली का ही कमांड चलना था। गुस्सा अभी भी काफी है? आप गुस्सा तो रहेगा ही, क्योंकि मैं आज तक समझ नहीं पाया हूं कि हमें जलील करने की क्या जरूरत थी, हमें बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी, हमें इस तरह मतलब परेशान करने की क्या जरूरत थी, आखिरकार हमारी क्या खता थी? आप कहते हो, और जब मैं आपकी बात नहीं, मैं मरकज की बात और बीजेपी की बात करता हूं, बार बार ये कहते हैं कि आतंकवाद पाकिस्तान से आता है। अगर आतंकवाद पाकिस्तान से आता है तो उसका खमियाजा और उसकी सजा जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों दी? हमारी क्या खता थी? बंदूक पाकिस्तान से आई, हमने नहीं लाई, सारा उन्होंने किया, ठीक है, ये बीजेपी का कहना है। बट आप कह रहे कि आप उनको यूटी बना नहीं सके, आप उनको कुछ कर नहीं सके, सजा आपने हमें दी। और आज तक मैं फिर इस बात को दोहराता हूं, मुझे इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला है कि जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने की जरूरत क्या थी और यूटी बनाने के बाद हमें मिला क्या। तो अब इन चुनावों के बाद क्या आपको लगता है कि एक नए दौर के, एक पॉलिटिकल दौर के, एक नई सियासत के दौर की शुरुआत हो सकती है? आप कई इंटरव्यूज में यह कह चुके हैं कि इट विल टेक टाइम। किस चीज को टाइम लगेगा? वापस स्टेटहुड को रिस्टोर करने। क्यों टाइम लगेगा? नहीं लगना चाहिए। वजीर आजम साहब ने पार्लियामेंट में ये कमिट किया है, वजीर आजम साहब ने हर तकरीर में इस चीज को दोहराया है। आपका फिर विजन क्या है? श्रीनगर आके यहाँ पे इस बाग में उन्होंने योगा किया और उसके दौरान हमें फिर कहा कि हमें रियासत का दर्जा हासिल होगा। वक्त क्यों मिलेगा? मुझे तो लगता है कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को मुकम्मल होंगे, 12 के से पहले हुकूमत बननी चाहिए। मैं तो कहता हूं 15 तारीख से पहले पहले यहां मरकज की तरफ से उस ऑर्डर पर दस्तखत होना चाहिए और हमें अपनी रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए। इस पर वक्त क्यों? जब वजीर आजम साहब ने पार्लियामेंट में कमिट किया है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में कमिट किया है, मैं तो मान के चलता हूं कि हमारे वजीर आजम साहब झूठ नहीं बोलेंगे हमें, वो अपनी बात पे कायम रहेंगे और जल्दी से हमें रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। आपके वालिदा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने एक इंटरव्यू में एक कहा कि अभी 100 साल लगेंगे, नॉट फिगरेटिवली लेकिन नहीं, वो स्टेटहुड की बात नहीं कर रहे थे, वो 370 की बात कर रहे थे। स्टेटहुड के लिए हम 100 साल इंतजार, हम स्टेटहुड के लिए 100 साल क्या, हम 100 दिन भी इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है ना। आप स्टेटहुड हमें वापस दे दीजिए, 370 की बात चले वो लंबी बात है, वो हम फिर करेंगे। अभी करते हैं तो उस पर आपका क्या मत है, क्या प्लान है उसको लेके? हम उसको, उस मुद्दे को जिंदा रखेंगे और क्या। कैसे? उस पर बात करते रहेंगे, जिस तरह आपने मुझसे सवाल किया, मुद्दा जिंदा तो रहा। अब अगर आप इस पे खामोश रहते, मुझे कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता। मैं आज आपने सवाल किया, मैं मुद्दा जिंदा रख रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, इन चुनावों में 370 की बात ना हो ये तो हो नहीं सकता, इट्स एन ऑब्वियस क्वेश्चन, बट लेट्स मूव ऑन। एंड अब इश्यूज के बारे में थोड़ा हम बात करें। ये जो वोट है, जो आप वोट मांगने जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं, आई थिंक आप अग्री करेंगे कि डाउनटाउन में भी अब बहुत बड़ी तादाद में लोग रैलीज में हिस्सा ले रहे हैं। डाउनटाउन जो गो, एटलीस्ट वी अग्री ऑन समथिंग, डाउनटाउन जो एब्सोल्यूट नो गो जोन्स होते थे फॉर ऑब्वियस रीजंस, तो नहीं था। नहीं, मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं। मुझे सियासत करते हुए 25 साल हो गए, मैंने 3 पार्लियामेंट के इलेक्शन श्रीनगर से लड़े हैं। मेरा कोई ऐसा कैंपेन नहीं है जहां मैं डाउनटाउन जाके लोगों से मैंने न वोट मांगे हो। आपके लिए नो गो जोन्स नहीं थे वो? बिल्कुल नहीं थे। मैं पत्रकारों की बात कर रही हूं, मैं आर्सन पेल्टिंग और आम कश्मीरियों की बात करती हूं। मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं, यहां कई सारे पत्रकार मेरे सामने बैठे हैं जिनको मैं पहचानता हूं, शायद ही इनमें से कोई ऐसा है जो पिछले 96 के बाद डाउनटाउन ना गया हो।
कोई ऐसा नहीं है जिसने डाउनटाउन कवर ना की हो. मैंने भी कवर की है. तो फिर आप कैसे कह सकते हैं मैंने कवर नहीं सर उस वक्त कवर करने में और आज की कवरेज में जमीन आसमान नहीं वो, वो 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 दूसरी बात है. वो उस उसी दूसरी उस बात की मैं पहली उस बात बीच बीच में हालात खराब होते रहे वो मैं मानता हूं. लेकिन ये कहना कि डाउनटाउन नो गो एरिया था या डाउनटाउन कोई जा नहीं सकता था या डाउनटाउन में कोई सियासत नहीं होती थी या डाउनटाउन में रैलीज नहीं होती थी ये गलत है. डाउनटाउन में ये इंप्रेशन देना गलत है. बेशक लोगों ने उस हद तक पार्टिसिपेट नहीं किया जिस हद तक वो करना चाहते थे. मैं तारीफ करना चाहूंगी द वे यू आर कंप्लीटली डाउन प्लेइंग द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डाउनटाउन. व्हाट आई मेंट वाज कि आपके लिए आई टेक ऑब्जेक्शन टू दैट. आई एम नॉट डाउन प्लेइंग डाउनटाउन. I am countering your narrative that downtown was a no-go area that did not participate in politics. I am saying downtown participated in spite of the trouble. Downtown was never a no-go area and it was never away from politics. They participated in elections. Maybe not as much as you might like or I might like. But they were brave enough to come forward and participate in elections. They participated against the calls of the boycott. They participated against the threats. They came out even if less numbers. Even less numbers is more than nothing at all. And now there are no boycott calls. There are no Azadi slogans. Wo change? No, no, achhi baat hai. Look, for a party like the National Conference, no other party has lost people to militancy as much as National Conference. After the security forces, as an organization, we have given the most sacrifices. So the National Conference would obviously welcome a situation where my cadre can come out to vote without reprisal. It's something that we welcome. Why should we not welcome it? Okay. And आपकी ये लड़ाई इन चुनाव में किसके साथ है? पीडीपी के साथ सीधी टक्कर है और हमारी लड़ाई मुख्तलिफ सीटों में मुख्तलिफ लोगों से साथ है. जैसे कि कुछ सीटों पे पीडीपी, कुछ सीटों पे इंजीनियर, कुछ सीटों पे पीसी, कुछ सीटों पे आजाद उम्मीदवार, कुछ सीटों पे शायद अपने ही एक दो साथी जो छोड़ के चले गए, जम्मू की कुछ सीटों पे बीजेपी. कोई एक मतलब ये एक आजाद उम्मीदवार कितना थ्रेट साबित हो सकते हैं? कितना क्या थ्रेट? आजाद इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट फैक्टर. देखिए वोट कुछ हद तक तकसीम तो करेंगे वो और इसलिए शायद उन्हें थोड़ा सा एक मदद भी दी जा रही है. उससे डेंट आ सकता है आपके वोट बैंक? हम एक कार्डर बेस्ड पार्टी हैं. हमारे लोग तो निकल आएंगे जी. अगर हमारे खिलाफ वोट अगर बट गया तो चलिए इसमें एतराज क्यों. कितना कॉन्फिडेंट और कितने आश्वस्त है नेशनल कॉन्फ्रेंस? अगर कश्मीर की सियासत की जब भी बात होती है तो इट कैन नॉट बी विदाउट नेशनल कॉन्फ्रेंस. एक बहुत अहम स्तंभ है. लेकिन अब हम अपनी जगह कॉन्फिडेंट हैं लेकिन हमें घमंड नहीं है. हम वो लोग नहीं है जो 400 पार की बात करके 240 पे ही अपनी गाड़ी रोक दें. तो इसलिए हम यहाँ कोई आंकड़े नहीं दे रहे हैं कि हम मेरा अगला सवाल आंकड़ों पे ही था. हाँ नहीं इसलिए मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो 400 करे और फिर आधा भी क्रॉस ना हो. इसलिए मैं ना 70 की बात करूंगा ना 80 की बात करूंगा. मैं सिर्फ इतना आप कोशिश जितना करें जी. एक सियासतदान के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप सवाल क्या पूछेंगी. जरूरी यह है कि मैं जवाब कौन सा देना पसंद करूंगा. जी मैं इतना ही कहूंगा कि हम अपनी जगह क्वाइटली कॉन्फिडेंट हैं बट उससे ज्यादा नहीं. स्माइल मुझे कुछ और ही बता रही है. आप बहुत कॉन्फिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या वापसी का रास्ता? मैं ओवर कॉन्फिडेंस की कोई गुंजाइश नहीं है. ओवर कॉन्फिडेंस की कोई गुंजाइश नहीं है. हमें मेहनत करनी होगी. हमें लोगों तक पहुंचना होगा. हमें वोटरों को हमारे हक में वोट देने के लिए तैयार करना होगा. वोट ऑटोमेटिकली किसी पार्टी को नहीं मिलता. उसके लिए मेहनत करनी होती है. उसके लिए काम करना होता है. वो हम करेंगे. उमर साहब आपको एक पॉलिटिकल शिफ्ट ऑन ग्राउंड नजर आ रहा है. एक नई क्रॉप ऑफ यंग लीडरशिप दैट इज कमिंग अप अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम. पार्टी नहीं बट ओवरऑल हर इलेक्शन में नए लोग उभर के आते हैं. ये कुछ आपको इस बार कुछ अलग लग रहा है? इस बार कुछ ऐसी तंजीमें इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं जो 30-35 साल इलेक्शन के मैदान से बाहर रहे. वो एक बदलाव है. लेकिन जैसे मैंने कहा हर इलेक्शन में
नए लोग जो हैं उभर के सामने आ जाते हैं। ये इलेक्शन भी ऐसा है, इसमें उम्मीदवार कुछ ज्यादा हैं। अगर मेरी जानकारी सही है तो पहले दो फेजों में 50% जो हैं आजाद उम्मीदवार हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन आजाद उम्मीदवारों में कुछ नए चेहरे होंगे, एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे मेरी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, सबों ने कोशिश की कि कुछ नए चेहरे सामने लाए जाएं। जी, ऐसा क्या हुआ कि इस बार जो टॉप पॉलिटिकल फेसेस जम्मू कश्मीर के रहे और फॉर्मर मुख्यमंत्री, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स रहे, यू नो मैं किनके बारे में बात कर रही हूँ, जैसे डॉक्टर साहब है, महबूबा है, गुलाम नबी आजाद साहब है, दे डिसाइडेड टू स्टेप बैक। आपने अपने रीजंस हमें बताए, व्हाट इज योर असेसमेंट? आई कांट आंसर फॉर महबूबा, एट लीस्ट फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस। आई कैन आंसर फॉर फारूक साहब, यस, हिज एज इज नॉट नाउ एन एज वेयर ही वुड रन अराउंड एज अ स्टार कैंपेनर और एज अ वोट सीकर। ही इज कैंपेनिंग फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस, बट नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल टू पुट हिम into a seat and expect him to be able to campaign. It's not fair on him. And every party requires a generational shift. This is perhaps the time for that generational shift in the national conference. And he wants. And as far as Azad Saab is concerned, unfortunately his health has not been good. I hope that he recovers. But his health perhaps did not allow him to participate. And what about PDP's Mehbooba ji? That, like I said, if she comes here, you ask her. So who is your formidable threat this time? Kaun hai aapka? I've already answered that question. Our threat changes from seat to seat. Your threat changes from seat to seat, but agar pura aap Kashmir ka ek political scenario canvas deke in chunao mein, Umar Abdullah is the tallest leader who is contesting, who is back in the fray. So we have, I have been asked to ask you that am I, or talking to the future chief minister of Jammu Kashmir? I answered that question right in the beginning where I said... You want to be non-committal on that? I am not, it's not that I want to be, I am non-committal. I am not going to put the cart before the horse. As far as I am concerned, I don't look beyond the 8th of October. So anything you want to ask me post 8th October, we'll have to wait for post 8th October. Okay. ये भी कुछ conversation सुनने में आई कि dynastic politics, obviously दो parties में या दो परिवारों में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है जो काफी टाइम से और काफी सालों से चलता आ रहा है। ये नया कश्मीर एक नई लीडरशिप को आगे लाएगा, और 2019 के बाद गुस्सा था लोगों में, अब शायद डाइल्यूट हुआ हो टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स महबूबा जी की। हम गुस्सा किसके खिलाफ? टॉप लीडरशिप के खिलाफ, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ, 2019 एब्रोगेशन जब हुआ था। ये कॉन्वर्सेशन, ये सरकारी लाइनें आप यहाँ मत दोहराइए सर, ये सरकारी, ये सरकारी, मैं माफी चाहता हूँ, ये सरकारी लाइन है। 2019 में जो यहाँ हुआ वो हमारे बारे में नहीं था, वो दिल्ली ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया। इसको आप हमें क्यों घसीट रहे हैं? अगर उस वक्त गुस्सा हमारे खिलाफ था, हमें गिरफ्तार क्यों किया आपने? यहाँ से एक मील दूरी पे गेस्ट हाउस में मुझे 8 महीने के लिए बंद क्यों रखा? अगर लोग मेरे खिलाफ, अगर लोगों को मेरे खिलाफ गुस्सा था, मुझे बाहर छोड़ देते, लोग मुझे पकड़ लेते। आपने मुझे गिरफ्तार किया, आपने मेरे खिलाफ पीएसए लगाया, और पीएसए लगाते हुए आपने ये कहा कि मेरे ऊपर पीएसए लगाना जरूरी है क्योंकि मैं बॉयकॉट कॉल के खिलाफ लोगों को वोट देने के लिए तैयार करता हूं। मैं शायद इकलौता सियासतदान हूं जिसको लोगों को वोट तैयार करने के लिए पीएसए का जो है केस लगाया गया, और आप कहते हैं लोग मेरे से नाराज थे। अगर मेरे से नाराज थे तो आपने मुझे गिरफ्तार क्यों किया? लेकिन फिर लोकसभा चुनाव में तो उम्मीदों से, लोकसभा चुनाव में जो हवा बनी वो तो मैंने आपको कह ही दिया ना कि मेरे पीछे आप लोगों ने जेल में जो बंद लोग हैं उनको लगा दिया। बोले उमर साहब, ये आप देखिए, आप ये मरकजी चैनल है जी, मरकजी चैनल है। जब मैं आपकी बात करता हूं तो मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं जी, लेकिन मैं पत्रकार हूं, मैं हुकूमत नहीं, मैं आपके चैनल की बात कर रहा हूं। नहीं, हम चैनल है, वी आर अ नेशनल न्यूज ब्रॉडकास्टर, और हम कोई किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का स्पोक्स पर्सन या माउथ पीस नहीं है, कॉन्ट्रेरी टू द परसेप्शन। मैं आपको स्पोक्स पर्सन के तौर पर। उमर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, नाउ गोइंग फॉरवर्ड 2024,
किन मुद्दों पे, वेरी नटशेल में, जो मोटे मुद्दे हैं अब आपके, जो जिनको लेके आप गांदरबल और बड़गाम में इतनी रैलीज कर रहे हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं आप कह रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये वोट आपको किस पे मिलेगा? एक तो मैं पहले इस चीज को दोहराता हूं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मैंने सिर्फ कहा कि क्वाइटली कॉन्फिडेंट, फर्क है, यू सेड क्वाइटली, हां, तो एक वो दूसरा, दूसरा मुद्दे गांदरबल और बड़गाम के लिए अलग नहीं है, जो वादे हम गांदरबल और बड़गाम में कर रहे हैं वही वादे हम जम्मू कश्मीर के 90 के 90 सीटों में कर रहे हैं, और वो ये कि पिछले 10 साल की जो तबाही हुई है जम्मू कश्मीर में, जो लोगों के साथ इस्तेसाल हुआ है, जो लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, चाहे वो बिजली को लेके हो, चाहे वो तालीम को लेके हो, चाहे वो सेहत को लेके हो, चाहे वो राशन को लेके हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर की स्कीमों को लेके हो, चाहे वो पकड़ धकड़ को लेके हो, चाहे यहाँ पुलिस की तरफ से CID वेरिफिकेशन को लेके हो, चाहे हमारे जो नौजवान बाहर के जेलों में बंद हैं उसको लेके हो, चाहे रियासत का दर्जा वापस हासिल करने के लिए हो या अपनी सियासी मुद्दों को जिंदा रखने के लिए हो, हम इन तमाम मुद्दों को लेके लोगों से वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। सो हैविंग सेड दैट, क्या ये चुनाव एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड और हिस्टोरिकल शिफ्ट मार्क कर सकते हैं जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स में? किस तरह का शिफ्ट? फर्स्ट आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। वो तो उसमें वो शिफ्ट क्या है, दैट्स अ फैक्ट, दे आर द फर्स्ट इलेक्शंस आफ्टर एब्रोगेशन, दे आर द फर्स्ट इलेक्शंस आफ्टर यूटी, दे आर द फर्स्ट इलेक्शंस आफ्टर डिवीजन ऑफ द स्टेट, सो इन दैट रिस्पेक्ट देर आर मेनी फर्स्ट्स, देर आर मेनी फर्स्ट्स, सो दैट्स व्हाई दे आर अनप्रेसिडेंटेड एंड हिस्टोरिकल। In that respect, of course, they are unprecedented. They are for all the wrong reasons. Okay. We'll leave it there. Thank you very much, Mr. Omar Abdullah, for talking to us on DD News. We'll have to wait and watch till the election results day. And aapne hame vaada kiya hai yahan pe ki tab aap humse baat karenge. Kaun jo bhi result ho. Inshallah. Filhal ke liye bahut bahut shukriya humse baat karne ke liye. So, 90 seat, 3 phases mein chunav aur 18 September. इंतजार कुछ ही और दिनों का, और लेकिन उमर साहब क्वाइटली कॉन्फिडेंट है, वेरी कॉन्फिडेंट नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सत्ता में वापसी होगी, और जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर वापसी हुई तो क्या उमर अब्दुल्ला यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, उस पर अभी ये चुप्पी साधे हैं। थैंक यू वेरी मच, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया खिलते कश्मीर में हम सबसे जुड़ने का, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, खिलता कश्मीर जम्मू कश्मीर के इस DD कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, 18 सितंबर से 3 चरणों के विधानसभा चुनाव होंगे, और इस बार के चुनाव हर बार से कुछ अलग भी हैं, कुछ खास भी हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद, ये जम्मू कश्मीर के पहले विधानसभा चुनाव हैं। ये जम्मू कश्मीर के पहले विधानसभा चुनाव हैं जहाँ वाल्मीकि समाज को दरअसल वोट करने का, अपनी सरकार चुनने का, जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। करीब 10 साल से यहाँ पर जो है चुनाव नहीं हुए, विधानसभा चुनाव नहीं हुआ कह सकते हैं, और इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत खास भी है और बहुत कुछ पहली बार भी हो रहा है, और DD न्यूज़ का ये कॉन्क्लेव भी श्रीनगर में पहली बार हो रहा है। और श्रीनगर में हमारे साथ खास मेहमान है, हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं, और जम्मू कश्मीर से ही सांसद भी हैं, तो जम्मू कश्मीर की रग रग से जो है वो अच्छी तरह से वाकिफ हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, DD न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अशोक सर। ये पहला चुनाव कई दृष्टि से, कई चीज़ों में कहे तो बहुत खास चुनाव है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये चुनाव जो है, क्योंकि विपक्ष इस तरह का, यहाँ पर आपका विपक्ष जो है वो लगातार एक माहौल बना रहा है कि ये नए कश्मीर का रेफरेंडम है, ये 370 का रेफरेंडम है, और इस इशू को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां BJP के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल लिया, तो आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो जैसे आपने ठीक है, मैं आपको बधाई दूंगा, सबसे पहले जैसे आपने कहा दूरदर्शन ने पहली बार इस प्रकार का आयोजन किया, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इस प्रकार के आयोजनों का चलन बन जाएगा, ये भी बदलते हुए जम्मू कश्मीर का ही एक संकेत है। हैविंग सेड दैट, ये चुनाव आपने ठीक कहा कि बहुत तरीके से इसमें बहुत सारे फॉर दी फर्स्ट टाइम ऐसा फर्स्ट एवर वाली बातें हैं, जैसे आपने कहा कि 10 साल के बाद पहला चुनाव हो रहा है, और जैसे आपने कहा कि पहली बार वाल्मीकि समाज भी इसमें शामिल होगा, पहली बार पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी भी अपना विधानसभा के लिए मतदान कर सकेंगे,
और एक और बात जो अक्सर मीडिया से चूक रही है वो ये कि लगभग 50 साल के बाद इस बार 5 साल की विधानसभा चुनने के लिए चुनाव हुआ। हाँ, बिल्कुल, नहीं तो क्योंकि ये एक विडंबना यहाँ पर, और क्यों वो 6 साल रही वो ही अपने में इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार से 370 को दुरुपयोग किया गया उन लोगों द्वारा जो उसकी पैरवी करते थे, जो 6 साल की हुई इमरजेंसी के दौरान जब इंदिरा जी ने किया, और इनको ये अधिकार था कि उसको अपनाते कि ना अपनाते, क्योंकि 370 इनको वो प्रेरोगेटिव देता है, उन्होंने फौरन अपना लिया। जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है 1977 में, उसको रिवर्स किया उस अमेंडमेंट को, और फिर 5 साल हो गया तो तब इन्हें 370 दिख गया, क्योंकि इनको 6 साल सत्ता में रहना था। अब बताइए इसमें नागरिक का क्या फ़ायदा था, उसको तो चुनाव। तो कहने का तात्पर्य कि बहुत तरीके से ये पिछली बंदिशों को और जो हमारे आगे पीछे जिस तरह के इस तरह के टैबूज और बैरियर्स बना के रखे थे कुछ वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट से, उससे हट करके, उससे निजात लेकर के, उससे आज़ाद होकर के ये चुनाव है, और इसका अमल हमने तभी देख लिया जबकि लोकसभा में भी लगभग 58-59-60% यानी राष्ट्रीय औसतन के बराबर वोटदान हुआ, लेकिन पहले तो केवल 8% होता रहा। उस लिहाज से भी पहली बार लगभग 30 बरस के बाद एक ऐसा चुनाव जहां पर के ये आरोप नहीं आएगा कि 8% से विधायक चुने गए या 8-10% से सांसद चुने गए। ये बात तो है, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्या विपक्ष जो एक एजेंडा बना रहा है, विपक्ष जो एक पिक्चर दे रहा है, वो ये कह रहा है 370 पे रेफरेंडम है, और क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी, खासकर कश्मीर वैली की बात करूँ, बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो वो आपके साथ लड़ करके और आपको चुनाव के नतीजों के आधार पर 370 की तस्वीर दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये चुनौती है आपके सामने। नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP ये चाहते हैं कि ये मुद्दा बने, दे आर ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर दिस इशू, लेकिन हो नहीं रहा, क्योंकि 370 के जाने से मुझे यकीन है अगर आप अलग से श्रीनगर के गली कूचों में चलने वाले आम इंसान से पूछेंगे अपनी जगह, हो सकता है खौफ के पर्दे में वो ना भी कह पाए खुल के, तो 370 के जाने से उसको फायदा हुआ, जो हिंदुस्तान की मुख्य धारा के अनेकों विकल्प जिनका लाभ बाकी सारे नागरिक ले रहे थे उसको भी मिलने लगा, वरना 370 ने उसको क्या दिया? 370 ने तो उन 2-3 परिवारों को दिया जो 370 की आड़ में, जैसे मैंने कहा आपको विधानसभा के कार्यकाल की का उदाहरण दिया, कश्मीर के नागरिक की स्पेशल स्टेटस, उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान इत्यादि इत्यादि की दुहाई दिया करते थे, और उसकी आड़ में पुश्त दर पुश्त अपना वंशवाद बढ़ाते रहे। अब जब फिदा खुली है, और जो मोदी जी के आने के बाद विशेषकर 2014 के बाद अनेकों विकल्प, चाहे स्टार्टअप के थे, चाहे रोजगार के थे, चाहे इकॉनमी में एक रिसर्जेंस आया, उसका लाभ यहाँ नहीं पहुँच पा रहा था, क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे, ये चाहते थे कि उसी तरह से परिस्थितियाँ बनी रहें और ये अपना वंशवाद पुष्ट दर पुष्ट चढ़ाते रहे, और इसलिए अब ये चाहते हैं कि उस तरह का नरेटिव सेट हो। और दूसरी बात ये भी है कि 370 के जाने से सबसे ज़्यादा नुकसान भी इन्हीं 2 परिवारों को या 3 परिवारों को हुआ है, और इस कदर गैर मर्यादा बेगैरत तौर से, मैं कहूँगा बेगैरत तौर से 370 का दुरुपयोग किया गया कि जब 73-74 अमेंडमेंट पास किया, कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, राजीव गांधी थे, यहां पर गठबंधन में कांग्रेस थी लेकिन यहां नहीं लागू किया, क्योंकि उसकी राशि सीधी पंचों सरपंचों और स्थानीय इकाइयों के प्रतिनिधियों के पास जानी थी, ये चाहते थे कि इनके मंत्रालयों में ही रहे, मुख्यमंत्री के तिजौरी में रहे, तो तब इनको 370 दिख गया। यानी आम जो, और ये दुहाई देते रहे, यही पार्टी PDP कहती सेल्फ रूल, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल का क्या अर्थ हुआ? सेल्फ रूल हम तो ये समझते हैं कि जिस धरती से जमा हो, जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, जो धरती से ना जन्मा वो सेल्फ रूल क्या, तो सेल्फ रूल मतलब सेल्फ का रूल, सेल्फ ऑफ द फैमिली। दूसरा कहता है ऑटोनॉमी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मतलब खुद मुख्तियारी। खुद मुख्तियार क्या, आपने आम नागरिक को तो इतनी बंदिशों में बांध दिया, लेकिन हाँ आप खुद मुख्तियार हो गए कि आप जिस तरह से अपना राज चलाएं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये इन्हीं को सबसे ज्यादा दिक्कत है, आम नागरिक को इससे फायदा ही फायदा है। और सर आप ये कह रहे हैं आम नागरिक को फायदा है, और आम नागरिक 370 की बंदिश में था, लेकिन कर्रा साहब जो कांग्रेस के यहाँ पर वो अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर इस वक्त एक खुली हुई जेल है, जहाँ सब लोग हैं लेकिन एक खुली हुई जेल है, इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड? ये जो बात कह रहे हैं उसका खंडन भी उन्हीं की बात में है,
वो आज इस स्थिति में वो ये कह सकते हैं। अच्छा, वो कह सकते हैं, उनसे पूछिए, आज से 15 साल पहले कह सकते थे, जब इनकी सरकार यहाँ थी, इनकी सरकार केंद्र में थी, इनके ही नेता राहुल गांधी, मन करता है लाल चौक में आइसक्रीम खाते हैं, शाम को मन करता है हदूज में चले जाते हैं रेजिडेंसी रोड, जब इनकी सरकार थी यहाँ पर, इनकी सरकार थी वहां पर, तो ये तो जेल खाने में तब थे, ये अपने बनाए हुए जेल खाने में, ये सुरक्षा कहते हैं होम मिनिस्टर को डर लगता, सुरक्षा कवच में बैठे हुए थे, इनके गृहमंत्री कहते हैं सुशील चंद्र के डर लगता, तो इन्होंने तो उस समय जेल खाने में रहे, बल्कि मोदी जी ने इनको जेल खाने से मुक्ति दिलवाई है। अच्छा तो ये बताइए, मतलब मैं फिर 370 आपके लिए इशू है इन चुनाव में कि कश्मीर का डेवलपमेंट, नया कश्मीर, ये आपके लिए मुद्दा? नहीं, देखिए 370 अब कोई इशू रहा ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से मेन स्ट्रीमिंग और मुख्य धारा में जुड़ गया है जम्मू कश्मीर, और अनेकों इससे फायदे हुए, और बड़ा कम समय हुआ, अभी 5 साल तो कोई ज़्यादा, एक समाज, एक राष्ट्र के जीवन में 5 वर्ष तो एक फुट नोट ऑफ ए चैप्टर भी नहीं होता। लेकिन आप देखिए, मोदी जी ने लाल किले से आह्वान किया स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, 2014 में मात्र 350-400 स्टार्टअप थे, आज बढ़कर के 1.5-2 लाख हो गए। जम्मू कश्मीर ये आलम था कि मात्र 30 स्टार्टअप्स, अब 5 साल के अंदर वही संख्या 30 की बढ़ करके लगभग 900 के करीब जा रही है जी। लेकिन समय कम है, आहिस्ता आहिस्ता ये विकल्प बढ़ेंगे, तजारत बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी। आप कह रहे हैं कि 370 इशू है, लेकिन उमर अब्दुल्ला और अब कांग्रेस चुपचाप कहती है, क्योंकि कांग्रेस 5 अगस्त को काला दिवस मनाती है हर साल, जबकि हटा था, तो वो लोग कहते हैं 370 हम वापस लाएंगे अगर हम सरकार में आ गए तो, स्टेट फ्रीडम वापस लाएंगे। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ना इधर है ना उधर है, वो 370 के पक्ष में भी है, उसके विपक्ष में भी। अब वो देखिए क्या दिलचस्प उनकी कहानी है, जब वो कश्मीर घाटी में आते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बैठते हैं, तो कहते हैं हम 370 को वापस लाएंगे, जब वो जम्मू जाते हैं और वहाँ प्रचार करते हैं, कहते हैं हम 370 के हटाने के पक्ष में। अब उनसे कहिए कि खुल करके स्टैंड लें, कह दें आज कि अगर हम वापस आते हैं सत्ता में तो हम 370 वापस आएंगे, कभी नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने बाकी प्रदेशों में भी चुनाव लड़ना है। अच्छा, इसीलिए वो ना इधर है ना उधर है। और अच्छा, इसमें एक और आपने बात की, तो मुझे आपने जैसे कहा कि हम भी यहाँ की जड़ों से जुड़े हैं, मुझे बात याद आई, आज से कोई 20-25 वर्ष पहले यहाँ एक कहावत मशहूर थी इन कांग्रेस वालों के लिए और दूसरे इनके सहयोगी नेशनल कांग्रेस में, एक कि ये जेब में 3 बयान लेके चलते हैं, श्रीनगर में एक परोस देते हैं पत्रकारों को, जम्मू पहुंच के दूसरा और दिल्ली पहुंच के तीसरा। और उस जमाने जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, यहाँ 3 दिन के बाद अखबार आता था, यहाँ श्रीनगर में रेजिडेंसी रोड पे एक अब्दुल्ला संस करके बड़ी मशहूर अखबार की दुकान है, वो बेचारे तीसरे दिन पहुंचता, चंडीगढ़ का अखबार वो 2-4 दिन के बाद, तब तक वो लोग भूल जाते क्या बिहार है। अब थैंक्स टू आप जैसे जो मित्र है, जो आज यहाँ कहा वही सुनाई देगा जम्मू में, वही सुनाई देगा दिल्ली में, तो अब ये चुप हो गए। अगर वो जमाना होता तो 1 बयान यहाँ दे देते कि हम इसको हटाए लाएंगे, यहाँ कह देते हम लाएंगे, वो भी आपको चुप करके वो छोटा सा प्रेस नोट पकड़ा देते, जम्मू जाके कह देते कि हम इसको हटाने के पक्ष में, और दिल्ली में कुछ और कहते, अब वो हो नहीं पा रहा, इसलिए खामोश है। अच्छा, राहुल गांधी अभी अमेरिका में जब थे तो वो इलहान उमर से मिले, वो इलहान उमर है जो पाकिस्तान की धरती पर जाती है, भारत के कब्जे वाले कश्मीर में जाती है, कहती है ये तो पाकिस्तान का है, कश्मीर पर उसने इतना भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की ये मीटिंग बड़ी स्ट्रैटेजिक थी, यहाँ पर जो अलगाववादी मानसिकता के लोग हैं उनको एक मैसेज देना था कि भाई कांग्रेस के लिए वोट करें, क्या आपको ऐसा लगता है? हुआ क्या है कि कांग्रेस यहाँ पर तो अपना जनाधार खो बैठी है हिंदुस्तान में, अब वो ढूंढ रही है बाहर से कहीं मिले। जब अमरीका जाते हैं तो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, भारत की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, और ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ, जितनी भी सरकारें पहले हुई विदेश में जा करके आपने उस समय की सरकार का पक्ष रखना है। नरसिम्हा राव जी थे तो उन्होंने जब एक विदेश एक डेलीगेशन भेजना था तो वाजपेयी जी उसका नेतृत्व कर रहे थे। इस प्रकार से हमारा विदेश की धरती में जो स्टैंड रहता है वो एक सामूहिक जिम्मेवार स्टेट्समैन की तरह रहता है, लेकिन ये इतने हताश हो गए हैं कि वो वहाँ जा करके गालियाँ निकालनी शुरू करते हैं भारत सरकार को, आलोचना करने लगते हैं मोदी जी की, हालांकि वहाँ से कोई इनको वोट नहीं मिलेगा, लेकिन ये इनकी हताशा का प्रतीक है, और इनकी जो वास्तविक मानसिकता है, इनकी ज़हनियत है, वो भी उससे एक्सपोज होती है। और आपने ठीक कहा, अगर ये अलगाववादियों को रिझाने के लिए ऐसा वहाँ जा करके कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि देश की जनता इस बात का फैसला करेगी कि इस प्रकार की लीडरशिप इस देश को कबूल है भी कि नहीं। पर आप कह रहे हैं कांग्रेस का आधार खत्म हो चुका है,
लोग बार बार सवाल करते हैं कि बीजेपी कश्मीर में क्यों नहीं लड़ पाती। अभी भी आपने 18-19 कैंडिडेट कश्मीर में, जम्मू में तो आप सभी जगह पर हैं, और लोकसभा चुनाव में भी आपने कैंडिडेट नहीं दिए थे, तो इसको लेकर लोग सवाल उठाते हैं कि बीजेपी कश्मीर में चुनाव लड़ने से डरती है, उसको कैंडिडेट नहीं मिलते। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा बदलाव ये है कि एक ज़माने में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाना भी एक टैबू था। आज आप देखिए जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के झंडा भी लगाया, तिरंगा भी लगाया, और कहाँ कैंडिडेट उठाना है कहाँ नहीं उठाना है ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। और ये केवल जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता, बाकी प्रदेशों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है कि रसोई घर में फैसला हो रहा है कि एक सीट बाप के कहने पर, एक सीट बेटे के कहने पर, एक सीट वहाँ माँ के कहने पर, एक सीट यहाँ। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जैसे बाहर लोकतांत्रिक मूल्य ऐसे अंदर भी है। तो एक नीचे से नाम चलते हैं, फिर ऊपर तक जाते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड तक, और फिर एक सामूहिक निर्णय होता है। और उस निर्णय में ये भी शामिल होता है, क्योंकि प्रतिभा सभी में है, योग्यता सभी में, ऐसा नहीं है जो कैंडिडेट चुना गया वही सबसे काबिल था, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि इस पार्टी में तो प्रतिभा की कभी कमी रही नहीं, देश विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक दल है ये, राजनीतिक दल। तो जो सामूहिक निर्णय होता है वो उसमें ये भी कंसिडरेशन में आता है कि कौन एट द गिवन टाइम कौन उम्मीदवार सबसे अनुकूल होगा, एट द गिवन टाइम कहाँ पे कितना लड़ना कितना नहीं लड़ना। अब आप ये जो कह रहे हैं ना कितना लड़ना कितना नहीं लड़ना, उसी को लेकर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं बीजेपी की स्ट्रैटेजी है मल्टी कॉर्नर बना दो। वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई वोट मत बटने देना, नहीं तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी और ये इसलिए कह रहे हैं कि ये ऐसा करते रहे, कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस यही करते रहे, आपस में लड़ाओ, वोट बटाओ, 8% पड़े और बन जाओ मुख्यमंत्री। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ऐसी कह रही, जब 60% वोट हो रहा है तो किसी को कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी राजनीतिक दल आ सकता है। तो ये जो ये करते रहे हैं वो सोच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी भी करेगी, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मतलब आपकी ये स्ट्रैटेजी, मतलब आपकी छोटे छोटे दलों पर नजर है कश्मीर में जो लड़ रहे हैं? हमारे देखिए किसी दल पर नजर नहीं है, हम अपनी क्षमता से अपनी ताकत से लड़ रहे हैं। अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहे, हमें वैसे समर्थन देता है, पार्टी में कोई सदस्यता ग्रहण करता है तो हाँ, लेकिन हम कोई शर्त पे नहीं रखते। अगर कोई सदस्यता ग्रहण करता है तो ऐसा नहीं है उसे पहले कह दिया था तूने मंत्री बनना है तो तू आ जा, ऐसा नहीं करते हम। अब कोई हमें समर्थन देगा, राजनीतिक हाथ में देगा, जो काम मोदी जी कर रहे हैं उनके, उन्होंने जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को भारत की मुख्य धारा की जो एक डेवलपमेंट जर्नी है, जो ये विकास यात्रा है, उसका हिस्सा बनाया है जम्मू कश्मीर, उस कारवां का हिस्सा बनाया, उस बात के लिए अगर कोई हमें समर्थन देता है तो इसमें बुराई क्या है? तो जब आप स्ट्रैटेजी की बात करते हो तो ये भी आप पर आरोप लग रहे हैं कि इंजीनियर राशिद को इसलिए छोड़ा गया ताकि एनसी और बाकी पार्टियों के वोट जो है कट जाए। ये बात जो लोग कह रहे हैं वो भारत की न्याय पद्धति और भारत के न्यायालय न्यायाधीशों पर उंगली उठा रहे हैं। मुझे लगता है पहले तो उनको ये सवाल करना चाहिए कि भाई जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, अगर आप उन पर इस तरह का प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो आपकी अपनी प्रॉपर्टी क्या है? यहाँ की अदालत, यहाँ की कचहरी, यहाँ का न्यायालय, यहाँ के न्यायाधीश, वो स्वतंत्र ढंग से काम करते हैं। मोदी जी की सरकार ना न्यायाधीश के किसी कामकाज में दखल देती है, ना किसी एजेंसी के कामकाज में। हाँ, ये करते रहे 50-60 साल, ये यही काम करते थे, एजेंसियों से अपने राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ाना। इनको लगता है बीजेपी है तो ये भी यही करते होंगे, क्योंकि मानसिकता ऐसी बन गई, ये अपने मन की बात कर रहे हैं जो इन ये कहा करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती। अगर अदालत ने उसको छोड़ा है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? तो अभी आपने जैसे कहा कि आप लोगों के जो आपको सपोर्ट करेगा, पर क्योंकि लोग कहते हैं कि पीडीपी भी कहीं ना कहीं दोबारा आप लोगों के साथ गठबंधन के उसमें रहा, तो क्या ये जो अलगाववादी जो फैक्टर यहाँ पर लड़ रहे हैं, क्या उनके लिए भी बीजेपी के दरवाजे खुले हैं, पीडीपी के लिए भी दरवाजे खुले हैं? ऐसा है कि वो तो मेरिट पे बात होती है, अगर कोई आना चाहता है तो हमारे यहाँ भी एक समितियाँ बनी है, उसका निर्णय लिया जाता है किसको साथ लेना है, कैसे लेना है। पर कोई शर्त होगी आपकी अगर इसके लिए? हमें सरकार बनाने के लिए किसी शर्त की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम अपने बलबूते पे बनाने वाले हैं। आपको ऐसा लगता है बीजेपी अपने बलबूते पे? हम तो चुनाव में उतरे ही ये लक्ष्य लेकर के। अच्छा, समय कम है, जल्दी से पूछता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये अब उम्मीद लगा रहे हैं कि आप कह रहे हैं अपने बलबूते पर, और 2014 का चुनाव देखे तो बीजेपी ने जम्मू में क्लीन स्वीप किया था, अब उसके बाद डिलिमिटेशन हुआ, डिलिमिटेशन के बाद भी पहला चुनाव है, हम लोग ये चर्चा कर रहे थे, तो लोग ये कर रहे हैं कैलकुलेशन लगा रहे हैं क्या जम्मू कश्मीर को पहला हिंदू मुख्यमंत्री मिल सकता है क्या? नहीं, ये भी सोच गलत है। जम्मू कश्मीर को पहला बीजेपी का मुख्यमंत्री मिलेगा,
वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, इसमें ये कोई जात पात या धर्म पर आधारित नहीं। आप देखिए मोदी जी जो स्कीमें हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कच्चा घर है पक्का बनाना, ये नहीं पूछते हिंदू का कि मुसलमान का है। उज्ज्वला का सिलेंडर गृहिणी के घर में पहुंचाना है जिसकी आवश्यकता, ये नहीं पूछते ये हिंदू है कि मुसलमान है। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये भी कांग्रेस की सोच है। हाँ, एक बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा इस बार। ये दावा कर धर्म क्या है उस पर कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये धर्म आधारित राजनीति बीजेपी करती ही नहीं। तो यानी मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है ऐसा कुछ? निश्चय ही कोई भी, लेकिन बीजेपी का आप दावा कर रहे हैं? बीजेपी का दावा है, किसी धर्म जात का नहीं। धर्म जात का नहीं, बीजेपी का। और फिर एक आखिरी चीज, मैंने पीडीपी पर सवाल पूछा था, आप पीडीपी के साथ पहले सरकार बना चुके हैं, 10 साल पहले वही सरकार थी, क्या पीडीपी अब क्योंकि इंडी गठबंधन में जम्मू कश्मीर में तो नहीं है, क्या उसके साथ कोई? नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो जब परिस्थिति कोई ऐसी होगी तो अलग से विचार करने लायक बात है। लेकिन ये भी याद रहे कि मेरे ख्याल से स्वतंत्र भारत के या लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हम पीडीपी से गठबंधन से खुद बाहर आए थे। हमें किसी ने निकाला नहीं, पीडीपी ने नहीं हमें छोड़ा, हमने पीडीपी को छोड़ा। हमारे ऊपर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं था, कोई जनता का दबाव नहीं था, लेकिन जिन सिद्धांतों को लेकर के हमने एक सरकार बनाने हेतु अपना सहयोग दिया था पीडीपी को, जब हमें लगा कि नहीं हमारे सिद्धांतों से कहीं ना कहीं समझौता हो रहा है, तो हमने मुझे लगता है पहली बार मात्र और मात्र सिद्धांतिक कारणों से बाहर आए। अच्छा, मेरे सवाल खत्म हो गया, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है सामने शंकराचार्य मंदिर है, और आप क्योंकि यहीं के हैं तो मैं एक आखिरी चीज़ ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि एनसी जो है शंकराचार्य पर्वत का भी नाम बदलने की बात करती है, ये सब क्या, ये जो अलगाववादी एजेंडे हैं क्या, इस पर आप चाहते हैं कि? अब ये जो कह रहे हैं हमें कि हम इंजीनियर ऋषि से बात करें, तो बल्कि सवाल तो इन पर आता है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, यही कह रहे हैं कि हम उसको सुलेमान या क्या कर देंगे। यानी जो हमारी परंपरा का हिस्सा है, जो हमारी रिवायत का हिस्सा है, जो हमारी लेगेसी का हिस्सा है, ये उससे भी छेड़छाड़ कर रहे हैं मात्र और मात्र कुछ एक वोट हासिल करने के लिए, और वो भी शायद होना के ना हो। क्योंकि जैसे मैंने उस दिन कहा था वो अंग्रेजी में, द सम ऑफ दीज पॉलिटिशियंस आर स्टिल ट्राइंग दी ट्रिक्स ऑफ द लास्ट इलेक्शन बट दी वोटर हैज मूव्ड ऑन। ये भी नहीं मालूम वोटर इन बातों से मुतासर होता है कि नहीं, लेकिन इनकी मानसिकता है ये हर तरह का हथकंडा लाएगी। चलिए, डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आप हमारे साथ आए, बहुत और उम्मीद है कि आगे भी हम कल श्रीनगर में आपके यहाँ कॉन्क्लेव करेंगे तो आपका समय मिलेगा हमें। थैंक यू सो मच सर।